चूंकि इतिहास काफी मायने रखता है 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है मोरन से, है ना, तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सबके पास क्वेश्चन उपलब्ध है उसको देखना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो जी सर, ये है आशीष, पहला क्वेश्चन कहता है 29 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना। हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास में एबीसीडी चार स्टेटमेंट दिया गया हुआ है और कहता है कि इसमें गलत कथन कौन सा हमको चूज करना है। देखिए सबसे पहला कह रहा है कि भारत की प्रथम टेक्नी कलर फिल्म जो थी वो झांसी की रानी थी, ये सही बात है, आपने पढ़ा भी होगा वन लाइनर में, ठीक है। सेकेंड कहता है कि भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चायन है, ये भी सही बात है, कुट्टी चाटन है सॉरी। और सी जो कहता है कि भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल मूवी है, था अनिल कपूर का और इसका क्या नाम ऐश्वर्या राय का था, वो पहला बीमाकृत किया गया मतलब मूवी था, वो भी सही बात है। चौथा जो कहता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी है। अब यहाँ समझो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अभी तक जब से 1954 में है ना सबसे पहला क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था किनको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तो सबसे पहले वही प्राप्त किए थे। तो उसके बाद से लेकर के अभी तक ना हमारे भारत में केवल 5 महिलाओं को ही भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि सबसे पहले फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी को मिला था, ये गलत बात है। अभी तक हमारे हिंदी सिनेमा के किसी भी हीरोइन को ये भारत रत्न नहीं मिला था, एकमात्र मिला है हमारी जो पार्श्व गायिका लता मंगेशकर उनको मिला हुआ था, तो मीना कुमारी वाला क्या है, गलत है। आई बात समझ में। ये होगा क्या कि इसका वास्तव में आंसर जो होगा वो आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी होना चाहिए, है ना। यानी अगर आपसे पूछे कि भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री मीना कुमारी था, ये गलत बात है, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, काफी वो पूछा भी जाता है। फैक्ट क्या है कि सबसे पहले 1954 में जो भारत रत्न है यह सर्वोच्च सम्मान होता है भारतीय भारत में, ये क्या किया गया था, ये दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था सर्वपल्ली राधा कृष्णन को, ठीक है। उसके बाद से अपना अभी तक दिया जा रहा है, और अभी हाल फिलहाल में किसको दिया गया है, हाल फिलहाल में दिया गया है आपके बिहार के कर्पूरी ठाकुर साहब को, क्या मा करना है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि 1954 से लेकर के 2024 तक, ठीक है, केवल 5 महिलाएं ही हैं जिन 5 महिलाओं को अब तक भारत रत्न प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहां देखो इन 5 महिलाओं में कौन कौन है, जो सबसे पहली महिला है उस महिला का नाम है इंदिरा गांधी, ठीक है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसको है ना उस पन्ना में मत लिखना, अपना कॉपी में लिखना है, कॉपी कहीं रख लो क्योंकि कॉपी काफी जरूरी होता है रखना, ठीक है। देखिएगा कि इंदिरा गांधी को 1971 में सबसे पहले क्या मिला था, हमारा भारत रत्न मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद में एक आती है हमारे पास में मदर टेरेसा मैडम, है ना, मदर टेरेसा, इस मदर टेरेसा मैडम को 1980 में क्या मिला था, भारत रत्न पुरस्कार मिला गया था। उसके बाद में आता है अरुणा आसफ अली, इनको दिया गया था 1997 में, ठीक है। एक आता है एम एस सुब्बू लक्ष्मी, है ना, ये दक्षिण भारत की पार्श्व गायिका है, सिंगर है, इनको दिया गया था 1998 में। और हमारे सबसे लास्ट में आती है लता मंगेशकर, इनको दिया गया था 2001 में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है कि ये 5 महिला है, सबसे पहली महिला क्यों कौन था जिनको मिला था, मिला था इंदिरा गांधी को 1971 में। और यहाँ देखिए जो अरुणा आसफ अली थी, आपको पता होगा इतिहास में पढ़ा भी होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में, कि ये हमारी क्या थी, स्वतंत्रता क्रांतिकारी महिला थी, इनको भारत सरकार ने 1997 में भारत रत्न दिया हुआ था, ठीक है। और सबसे अंत में कितना किसको मिला है, लता मंगेशकर को मिला हुआ है 2001 में, ये महिला की हम बात बताते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा गलत आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कहता है कि चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, ठीक है, अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि पट्टा जारी क्यों नहीं किया, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग, आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिएगा कि चिर अस्थायी बंदोबस्त, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये 1793 ईस्वी में क्या किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है।
आप देखिएगा कि 1793 ईस्वी में जो शुरू किया गया था, सबसे पहले जो चिर अस्थाई बंदोबस्त जो होता था, ये दो चीजें आती हैं। पहला चीज आता है कि ये कॉन्सेप्ट कौन दिया था, यानी ये किसके दिमाग का उपज था कि चिरस्थायी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त हम लागू करें, और दूसरा होता है इसको एग्जीक्यूट करने वाला, यानी इसको क्या, इसको लागू करने वाला कौन था। 60-62 के बीपीएससी पीटी में आपसे ये पूछा गया था कि अस्थाई बंदोबस्त किसके दिमाग का उपज था, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था बीपीएससी कि अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, बताओ तो रुचि। सबसे पहले देखिएगा कि 19, ये देखो ये संकल्पना जो था, ये संकल्पना था जॉन शोर साहब का। ठीक है, और सबसे पहले 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया था। ठीक है, अब देखो ये अस्थाई बंदोबस्त आखिर होता क्या है। ये ब्रिटेन की सरकार का एक नीति था, कृषिगत नीति था। इसमें कहता था कि कोई जमीन का बड़ा रकबा था, वो पट्टे पर, अब ये कहो कि उसको क्या, उसको काम क्या बोलते हैं, अरे बड़ा सा एक टर्म होता है, मनखब सारे बोलते हैं उसको, है ना। कि ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया था, जमीन के टुकड़े को बड़े बड़े जमींदारों को दे देता था कि भाई तुम इसमें क्या अपना खेती करो, उपजाओ, और बदले में तुम हमको क्या दो, हमको तुम अनाज दो। अब जो स्थायी बंदोबस्त था, इसमें जो टैक्स लगता था ना, वो टैक्स लगता था 10/11। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 11 किलो अनाज उत्पन्न होता है तो 10 केजी अनाज आपको ब्रिटेन की सरकार को देना होगा या अंग्रेज को देना होगा, मात्र 1 केजी अनाज आपको रखना पड़ेगा, है ना। यही होता था अस्थायी बंदोबस्त। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। ये डेट भी पूछता है, किसके माथा का उपज है ये पूछता है, और किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, और जो टैक्स का दर था वो दर कितना था, तो 10/11 उपज का, क्या उपज का 11वां हिस्सा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो होता है कि किस्मा कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त, ये चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था। इसका कारण यह था कि अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों को पट्टा तो दे दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कोई विभाग नहीं था, कोई मुख्यालय नहीं था, या कोई ऑफिस नहीं था जो दिए गए पट्टे पर जमींदारों पर नियंत्रण रख सके। तो जब पट्टा मिल गया तो जमींदार क्या करता था, जमींदार जमीन ले लेता था और फिर दूसरे जमींदार को पट्टा पर दे देता था। ठीक है, यही समस्या हो गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 30 का बी, बी फॉर बॉम्बे। 31 में आ जाओ, कहता है कि कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ कथन पर हमको क्या करना है बाबू, विचार करना है। पहला कथन देखो, पहला कथन कहता है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1835 कह रहा है। हम सब जानते हैं कि ये कथने गलत दिया गया हुआ है। गलत क्यों दिया गया हुआ है, क्योंकि आपने किताब में पढ़ा होगा कि जो हमारा आर्य समाज है, उस आर्य समाज की स्थापना 1855 ईस्वी में कौन करता है, ये करते हैं दयानंद सरस्वती साहब। ठीक है, तो जो पहला कथन दिया गया हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुआ था, ये कथन क्या है, ये कथन हमारा गलत है। ये 2001 में यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। यहां ध्यान रखिएगा कि लाला, ये कथन कहता है कि लाला लाजपत राय जो था आर्य समाज में रहते हुए वेद को निष्क्रिय कहता था, या वेद को बोलता था कि बेकार है, उसको नहीं पढ़ना है। ये हम किसी किताब में नहीं पढ़ते हैं। ये जो हमारे पास में लाला लाजपत राय साहब हैं, वो वेद को या किसी भी ग्रंथ को या किसी भी शास्त्र को नकारते नहीं थे। वो कहते थे आप इसको पढ़िए। आप इसमें ये समझिए कि लाला लाजपत राय जो थे वास्तव में क्या थे, ये जो हमारे पास में वेद है, वेद के वो समर्थक थे, उनके प्रतिकारक नहीं थे। तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है कि केशव चंद्र सेन ने के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। आपने ध्यान दिया होगा कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी समाज शिक्षा के लिए, सही बात है। सबसे पहले अब यह समझो कि जो ब्रह्म समाज था, वो ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था। तो पढ़े होंगे आप लोग कि ब्रह्म समाज का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1828 में, और इसका स्थापना कौन किया था, स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये ब्रह्म समाज का स्थापना था। ठीक है, अब ब्रह्म समाज का स्थापना में क्या कहता है, ये बेसिकली मूर्ति पूजा का विरोध करता था, ये उन सारे पाखंडों का त्याग करता था कि जो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि यदि हमको भगवान से कुछ मांगना होगा तो हमको किसी मिलिट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय नारी शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल देते थे। वो चाहते थे कि हमारे समाज में जो अंधविश्वास है वो तब खत्म हो पाएगा जब हमारे समाज की नारियां पढ़ेंगी, है ना।
तो राधा राम मोहन के जाने के बाद में जब वो अलग हो गए या केशव चंद्र सेन जब आए, तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया, इनके कार्यभार को संभाला था, इनकी आइडियोलॉजी को संभाला था। तो हमारा तीन वाला कथन सही हो जाएगा। फिर कहता है कि विनोबा भावे ने शरणार्थियों के में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। विनोबा भावे ने 1951 में सर्वोदय समाज का स्थापना इसलिए किया था ताकि जो भूमिहीन किसान है, जो गरीब किसान है, उनको सरकार के द्वारा किसी प्रकार से भूमि को हम उपलब्ध करवा करके उनकी गरीबी को, उनकी समाज की स्थिति को हम मजबूत करवा सके। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में एक और दो कथन गलत है और तीन और चार सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा तीन और चार। ठीक है, अभी से एक समझ में आ रहा है। 32 में आ जाओ। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इन चारों में से ऑप्शन जो हमारा बी है, ऑप्शन बी में है चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन जो था वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे अंग्रेज हैं जिन्होंने हमारे यहाँ जो भगवद गीता चलता है उस भगवद गीता का क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब एक यहाँ पे और सवाल आता है, आप लोग शायद जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, चार्ल्स विल्किंसन जो था ना वो बहुत विद्वान व्यक्ति था, वो फारसी भी जानता था, अरबी भी जानता था, हिंदी भी जानता था। विल्किंस है ना, जो चार्ल्स विल्किंस था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भगवत गीता जो था उस भगवत गीता का भी अनुवाद किया था। ठीक है, और एक और हमारा शास्त्रीय किताब है, उस किताब का नाम है हितोपदेश है ना, इस हितोपदेश का भी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसको ले लीजिए और किताब है, उस किताब का नाम है हितोपदेश। ये बेसिकली क्या था, ये संस्कृत की किताब है जो हमारे एक प्रकांड विद्वान थे नारायण पंडित, तो नारायण पंडित के द्वारा ये किताब लिखा गया था। देखो आज इतिहास बहुत कुछ सीखिएगा, कुछ फैक्चुअल चीजें भी हैं जो आप लोग कभी नहीं पढ़े होइएगा, कुछ रिविजन भी हमको होगा। तो विल्किंसन साहब ने भगवत गीता का भी अनुवाद किया था, इसने क्या किया था, हितोपदेश नामक संस्कृत ग्रंथ का भी क्या किया था, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। आई बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, वो काफी महत्वपूर्ण है। कौन क्वेश्चन था, 31 था ना, हाँ ठीक है। देखिए ये क्या था, ये चार्ल्स विस्की बिल क्या नाम था, विल्किंस, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फारसी और बांग्ला अक्षरों का आविष्कार किया था, ब्रैकेट में मुद्रण हेतु। देखो फारसी लिपि पहले से चली आ रही थी, बंगला पहले से लिपि चला आ रहा था, लेकिन हम जो प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस करते हैं ना, या हम जो टाइपिंग करते हैं, कभी बंगला उर्दू या हिंदी चला आता है, तो ये स्क्रिप्ट का रचना करने वाला भी कौन था, ये था हमारा चार्ल्स विल्किंस। और इन्होंने ही सबसे पहले बंगाल में फारसी भाषा का क्या खोला था, भाषा का प्रेस खोला था, और वहां से क्या पत्र मुद्रित हुआ करता था। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस के बारे में है ना, अभी तक आप लोग यही पढ़ते थे क्या कि चार्ल्स विल्किंस क्या थे, भगवद गीता का आविष्कार ये ट्रांसलेट किए थे, है ना, ये सारे फर्क उसमें पढ़ना पड़ता है। एक और क्वेश्चन है 33 में आ जाओ, कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की क्या की थी, मांग की थी। हाँ, पूजा गुप्ता सब पकड़ ली है, बा पूजा कहाँ से पढ़ी हो। यहाँ कहता है कि सबसे पहले 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते, पहले हाउस ऑफ कॉमन्स क्या था, देखिएगा कि ब्रिटेन का जो संसद होता है, ब्रिटेन के संसद को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, पहला को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं हाउस ऑफ क्या, लॉर्ड्स, और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन, इसको हिंदी में बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ का लोकसभा है ना, उसी प्रकार से वहां का क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमर्स, यानी जनरल पीपल का वो कम्युनिटी होता है, और ये होता है उच्च सदन होता है वहां का, कहाँ का, ब्रिटेन का। इसमें जो देखिएगा, इसमें वही लोग होते हैं, शामिल होते हैं जिनको ब्रिटेन का राजा या रानी क्या करती है, नामांकित करती है, नॉमिनेट करती है, या जो वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या वंशानुगत, जैसे मान लो कि हमारे पिताजी हैं, इनके मेंबर हैं, तो हम भी क्या होंगे, इनके मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, या वहाँ के प्रधानमंत्री को भी पावर होता है कि किसी भी भिखारी को, किसी भी ड्राइवर को, किसी को भी वो क्या बना सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, लॉर्ड्स मतलब भगवान, ये बड़ा सदन हो गया। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन जो होता है, ये कॉमन्स होता है सामान्य लोगों का क्या होता है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जिसका कि चुनाव के माध्यम से हम लोग क्या आते हैं, चुन करके जाते हैं। ठीक है, जनरल इलेक्शन के माध्यम से। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि 1875 में था ना,
कौन ऐसा संगठन था कि जो 1875 ईस्वी में सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी इसका कोई संगठन का आदमी वहां रहा होगा, वो डिमांड करता है, क्या डिमांड करता है कि ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। वह बोलता है कि देखिए हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो हम लोग हरा देता है ब्रिटेन के लोग सब, कि हमको प्रत्यक्ष भागीदारी उसमें दीजिए, यानी इंडियन एम्बेसी में जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो डिमांड करने वाला संगठन था, उस संगठन का नाम था पूना सार्वजनिक सभा। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा, ठीक है। अब देखिएगा कि पूना सार्वजनिक सभा जो था उसका स्थापना कब होता है, एक यहां फैक्ट निकल करके आता है क्या, पूना सार्वजनिक सभा है ना, वेरी गुड पूजा, अच्छा बताई हो इसका स्थापना कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है ना कि पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था, ठीक है, क्या कौन कौन इसका स्थापना किया था बताइए, पी बी जोशी है ना, एम जी राणा डे और पी बी जोशी दोनों ने मिल करके 1870 में क्या किया था, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। और सबसे पहले यही संगठन है जिन्होंने अंग्रेज के आंख में आंख डाल करके बोला कि अंग्रेज तुम इंडियन को भी इसमें क्या दो, प्रतिनिधित्व दो, ठीक है। चलो अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला ऑप्शन कहता है कि दी डक्कन एसोसिएशन है ना, जो पहला है उसमें लिख लेना, डक्कन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1852 में, वहां ऊपर में देख लीजिए हाइफन देखें बीपीएच पूछते, तो इसका संस्थापक था जगन्नाथ शंकर सेठ, बंबई के एक बहुत बड़े बैंकर थे, उन्होंने इसका स्थापना किया था। उसके बाद की बी जो है द इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना 1876 में हुआ था, कौन कौन किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये भी बीपीएससी पूछा हुआ है। ऑप्शन सी में आ जाओ, मद्रास महाजन सभा, ये भी बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था 1874 ईस्वी में, और स्थापित करने वाला क्या नाम था उनका, एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और क्या था, पी आनंद चारलू है ना, तीन लोग थे। सारे क्वेश्चन को हो गया इसी तरह डिस्कस किया जाता है, कोई भी किताब में इतना डिटेल में नहीं देता है व्याख्या है ना, चाहे दृष्टि का हो, घटना चक्र का हो, या फिर किसी और प्रकाशन का हो, वो एक दो कर दे के छोड़ देता है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा हमारा डी। 34 में आ जाओ, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किसके संपर्क में आया था, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी खासी। रिपीट रवीना तुम कहती हो बहुत एनर्जी लगता है बोलने, बहुत इतिहास बहुत पढ़ाना है हमको, न लगता है कि 4-5 दिन में खत्म होगा, समझ में आया, इसकी सुना करो फिर से दोहरा दो, डक्कन एसोसिएशन 1852 में हुआ था, जगन्नाथ शंकर सेठ स्थापित किए थे, इंडियन एसोसिएशन 1876 में किया गया था, उसमें कौन था, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। उसके बाद मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था 1874 में, उसका संस्थापक था बी राघवाचारी, उसके बाद एक चारलू साहब थे है ना, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चारलू है ना। चलो और 34 का हो जाएगा बी। 35 में आ जाओ, 35 में हमको क्या करता है, कूट दिया हुआ है, कूट को मिलाना है, बड़ा आसान सा प्रश्न है कूट वाला। देखिए पहला कहता है कि चार्टर एक्ट 1813, इस चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या किया गया था, सिंपल सा बात है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी पर क्या किया, व्यापार का एक अधिकार खत्म कर दिया गया था, पढ़े भी होंगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा दो। तो जहां जहां ए का दो है उसको देखिए है ना। अब देखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वह वास्तव में क्या करता था, इसका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो था कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया है ना, ये बी का हो जाएगा चौथा। एक्ट ऑफ 1858, इसमें क्या कहा गया था, 57 की जो क्रांति हुई थी ना उसी के बाद ना आया था 58 का एक्ट, उसमें क्या कहा गया था, जितना इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सब किसके हाथ में चल गया था, रानी जी के मुकुट में चल गया था। आसान सा प्रश्न है, सी का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो वास्तव में क्या था, वो था हमारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने का है ना। इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो, 36 में है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल दिया गया है ना। आप ये समझ लो, सिंपल सी बात है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अधिनियम था जो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली को शुरू किया, यानी ये वो मंत्री होगा और उसके साथ में 4-5 कुछ चपाटी होगा जो उसको मदद करेगा, जो अभी हम लोग यूज भी कर रहे हैं, तो सब लोग पढ़े होंगे, ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था, ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अभी जो हम लोग मंत्रिमंडलीय सिस्टम देख रहे हैं वो किससे लिया गया हुआ है, 1861 के
अधिनियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। चलो इसमें आ जाओ, 37 में आ जाओ। भारत में उपनिवेशी काल में विटली आयोग का उद्देश्य क्या था? देखिए, जेज विटली थे, है ना, एक व्यक्ति हुआ करते थे अंग्रेज में, उनका नाम था जेज विटली, है ना, बेचारा उदारवादी व्यक्ति था ये ना। जो लेबर क्लास के लोग हुआ करते थे ना, उनकी स्थिति को देख के बड़ा दुखी हुआ करते थे। इतना कमाता है, उसको पैसा बचे नहीं करता है। और तो सरकार ने क्या किया था, सरकार ने जो श्रमिक वर्ग हुआ करते थे ना, उनके उत्थान करने के लिए इनकी अध्यक्षता में विटली आयोग का गठन कर दिया था। ठीक है, तो विटली आयोग का जो गठन किया गया था, वो वास्तव में श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिश प्रस्तुत करना था। ब्रिटेन की सरकार ने इनके नेतृत्व में विटली आयोग का गठन किया गया था। इनको कहा गया था कि हमारे यहाँ जो लेबर काम करते हैं हमारे कंपनी के तहत में, उनको क्या क्या समस्या, आप उसका जरा देखिए और निदान कैसे कर सकते हैं, उसको सजेशन दीजिए। इसका यही काम था विटली आयोग का। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा। और 38 में आ जाओ, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, गलत हमको चूज करना, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना। देखो, सबसे पहला कहता है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। सही कि गलत? अभी ये गलत गलत है। कैसे गलत है? हाँ, वेरी गुड। पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1500 कब 10 में क्या किया था, गोवा पर कब्जा किया था। इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ, 1499, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, बेसिकली क्या था कि जब पुर्तगाली हमारे पास में आया था ना, तो गोवा पर उसमें बीजापुर के शासक का क्या था, शासन था। तो बीजापुर का शासन थोड़ा सा गड़बड़ सिस्टम था उसका, पावरफुल नहीं था। ये क्या किया, पुर्तगाली उसको हरा पराजित कर दिया और गोवा पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये कब्जा करता है, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली गोवा को 1510 में मिलाता है, न कि 1499 में, है ना, उसको देख लीजिएगा। अब देखिएगा बाकी जो ऑप्शन दिया गया हुआ है, वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन हमारा बाकी सब सही दिया हुआ है, केवल एक ही गलत है। आप पढ़े होंगे कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, मछलीपट्टनम में। सही कथन है। सी कहता है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1963 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये भी सही बात है। और डुपले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही कथन है। बात समझ में आ गया, हम गलत चूज करते, गलत हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 39 में आ जाओ, भारत में डच ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ खोला। यहाँ देखिएगा, डच ने सबसे पहला कारखाना खोला था मछलीपट्टनम में 1605 में, है ना। आप पढ़े होंगे कि डच जो हमारे पास में आया था, समझो ध्यान से, क्वेश्चन इसमें फंसाएगा कहां पे, जो डच था सबसे पहले 1605 ईस्वी में कहां कारखाना खोलता है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, जो भी नाम कह लो, है ना, मछलीपट्टनम में सबसे 1605 में दिया था। अब देखो तो 1605 ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ होगा, है ना। अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन कहता है कि भारत में डच ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहां कहां खोला, यानी अब हमको इसी में खोजना है। आई बात समझ में? तो देखिएगा कि डच का जो सिस्टम है वो इसका आंसर हो जाएगा, 1605 में खोलने के बाद में ये 1610 ईस्वी में जाता है, कहां पर, ये जाता है पुलिकट में। पुलिकट में भी क्या करता है, एक कारखाना खोलता है। पहले खोलता है कहां, मसूलीपट्टनम में, और सेकेंड कारखाना कहां खोलता है, पुलिकट में। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हमारा हो जाएगा ये पुलिकट। ठीक है, अब देखिएगा, एक ऑप्शन आता है सूरत, है ना, तो सूरत में खोला जाता है 1616 में। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 40 में आ जाओ, 1854 का बूड डिस्पैच जो है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, मतलब समझ लीजिए कि डच ने पटना में अपना पहला कारखाना कब खोला था। हाँ, सो कहाँ पर है वो, अभी वर्तमान में कौन सा भवन है, पटना कॉलेज। अच्छा, अभी जहां पर कलेक्टर साहब बैठते हैं ना, पटना वाला पुराना कलेक्ट्रेट भवन, वही वास्तव में क्या था, पहले डच का कारखाना था, कॉलेज नहीं था। ठीक है, हाँ ठीक, चलो 41 में आ जाओ, बूड डिस्पैच में अभिभक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था। आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, जो बूड डिस्पैच था, वो बूड डिस्पैच का मतलब क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा को बेसिकली क्या करता था, जो हायर एजुकेशन होता है ना, उसमें अंग्रेजी हम क्या दे, एजुकेशन दे, शिक्षा दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना, है ना। अंग्रेजों का कहना था कि भाई जब तक व्यक्ति अंग्रेजी में एजुकेशन नहीं लेगा, तब तक उसके पास में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होगा। इसीलिए बूड डिस्पैच बोलता है कि जो हायर एजुकेशन होता है ना, उसमें अंग्रेजी पढ़वाइए, ताकि लोग वहां के नोबेल पढ़ करके, अच्छी अच्छी किताब पढ़ करके, उनका बौद्धिक क्षमता का क्या होगा, विकास होगा। इसका संबंध किससे है,
बुड डिस्पैच से इसका संबंध है डी से, आई बात समझ में। और बाकी देखो, बाकी जो एक सी ऑप्शन कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, साक्षरता का चर्चा नहीं किया गया स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम वाली किताब में कहा गया कि बौद्धिक क्षमता, साक्षरता और बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है, आई बात समझ में। साक्षर तो वो भी होता है कि जो साइन कर लेता है, दैट इज लिटरेट होता है, लेकिन जो बुद्धि लगाता हुई ना बौद्धिक क्षमता उसके पास में होता है, बस समझ में आ गया। तो वो डिस्पैच का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता ना कि साक्षरता का बढ़ावा देना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 41 में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। पहले डी में आओ, इसका कहता है कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण धन दिया था, सही बात है, पढ़े होंगे। सी में आ जाओ, अंबेर में यानी अंबेर में सबाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागण के तत्वों का संस्कृत अनुवाद करवाया था, ये भी सही बात है, पढ़े होंगे आप लोग। बी कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाना स्थापित किया था, यह भी सही बात है। ए जो कहता है कि अली मर्दन खां ने बंगाल में राजस्व की एक नई पद्धति क्या किया था, शुरू किया था। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत कहता है ना, ये आंसर गलत है। अली मर्दान खां नहीं था, बल्कि सबसे पहले कौन शुरू किया था, फर्रुखसियर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो 34 है ना, 41 क्वेश्चन है, 41 में पहला में क्या किसका नाम दिया गया हुआ है, नाम दिया गया हुआ है अली मर्दान खां का, है ना, इसको अली मर्दान दुर्रानी या दुर्रानी भी कहते हैं, ठीक है। इनका जो समय काल है, इनका समय काल है 13वीं शताब्दी का है, और ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति खिलजी वंश से संबंध रखता है, बात समझ में आ गया। तो खिलजी वंश को पता होगा इसे भी कि उसको क्या मतलब है सिस्टम करने से, ठीक है। बाद में 1700 के आसपास में जब फर्रुखसियर क्या बनता है, फर्रुखसियर या सियार कह लीजिए, जब शासक बनता है किसका, हमारे इंडिया का और बिहार का, तो बिहार तो उसमें बंगाल तो बिहार मिला रहता है। तो फर्रुखसियर क्या करता है, एक आदेश पारित करता है, इसी को बोलते हैं फर्रुखसियर का शासन आदेश, फर्रुखसियर का शासन आदेश, और यहीं से एक नया राजस्व व्यवस्था शुरू होता है फर्रुखसियर के कथन के अनुसार। इनका कहना था कि भाई हम तो राजा हैं, पूरा जमीन हमारा है, ठीक है, अगर हम आपको कोई जमीन देते हैं, ठीक है, कोई हम आपको जमीन देते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे इंडियन हो, अमेरिकन हो, फ्रेंच हो, कुछ भी, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको जमीन का 3000 रुपया वार्षिक क्या दे दीजिए, टैक्स दे दीजिए, और इसमें आप हाथी निकालिए, सोना निकालिए, चाहे जमींदार को दीजिए, लगा लीजिए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको कितना पैसा चाहिए, 3000 रुपया बार का। तो ये राजस्व नया व्यवस्था था फर्रुखसियर का, है ना, ये आप नहीं पढ़े होंगे, है ना, ये हमने अपनी किताब, एक किताब हमारी आती है पीटी का, बिहार सामान्य विवरण का, उसमें लिखे हैं, ये बिहार वाली किताब में आपको मिलेगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये नई व्यवस्था शुरू करते हैं कौन, फर्रुखसियर, न कि क्या नाम था उनका, अली मर्दान खां साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है। नैना भाग श्री बीना रवीना, चार्टर एक्ट अधिनियम क्या है 1833, इसमें क्या कहता है, देखिएगा इसमें जो चारों प्रावधान है, चारों प्रावधान कहा गया था, समझिए ध्यान से। जो पहला प्रावधान कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, पढ़े होंगे ना, 1833 के चार्टर नियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक गतिविधि हुआ करता था, अब उस पर किसका नियंत्रण हो गया, सरकार देखरेख करती थी, सही बात है। बी कहता है कि काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में दिया गया, पढ़े होंगे ना कि 1833 के चार्टर नियम के तहत एक पद था, उसको किस नाम से चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल के नाम से। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, बगता, हाँ वेरी गुड, पहले क्या नाम जाना जाता था, पहले जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल, इस अधिनियम के तहत क्या जाना गया, गवर्नर जनरल, बंगाल को हटा दिया, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान कर दी गई, यानी एक काउंसिल बनाया गया था, समिति बनाया गया था, इस समिति के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो चेयरमैन न्यायिक अथवा विधि रूप से कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे, ये भी इसमें कहा गया हुआ, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही बात है। और एक और क्वेश्चन ऑप्शन कहता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की गई थी। देखिए इस अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल हुआ होता था ना, ये तो राजा हो गया एक प्रकार से, इसको मदद करने वाला कुछ चेला चपाटी होगा, तो उसमें एक विधिज्ञ होगा यानी एक लॉयर होगा, लेकिन वो लॉयर केवल अंग्रेजी होगा, इंडियन नहीं होगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भारतीय की नियुक्ति नहीं, बल्कि ये नहीं, नियुक्ति था विधि सदस्य की नियुक्ति थी, लेकिन वो कौन होता था, वो अमेरिकन होगा, ये सॉरी ब्रिटेन होगा, ब्रिटिश हुआ करता था। हमारा ये डी गलत हो जाएगा, ना समझ में आ गया।
ऑप्शन होगा चारों सही, परंतु इसमें भारतीय का निकल क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका गलत हमको चूज करना, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। जहां कंफ्यूजन होगा पूछिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे, 43 में आ जाओ। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्वर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? वाह बड़ा अच्छा सवाल है, पहले बताओ कि इल्वर्ट बिल क्या था, जान रहे हैं? बहुत बढ़िया, इल्बर्ट बिल था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई यूरोपियन व्यक्ति किसी पर क्राइम करता है तो उसकी सुनवाई कोई इंडियन जज भी कर सकता है ना। लेकिन इसी पर फिर बाद में क्या हो गया, विवाद होना शुरू हो गया। तो वही पूछता है कि इल्बर्ट बिल के जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था, ठीक है। पहला कहता है, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना, सही बात है ना, यानी भारतीय जज को भी उतना ही पावर जितना यूरोपियन जज को, है ना। इसी को बोला था बराबरी पर लाना। इसका उद्देश्य क्या था, हमारा पहला में आंसर मिल गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ए, इल्बर्ट बिल का। देखिए प्रेस किस होता था, कोई मतलब नहीं बनता है ना। इल्बर्ट बिल का प्रशासन सेवा से कोई मतलब नहीं बनता है, इल्बर्ट बिल का शस्त्र अधिनियम से कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो पढ़े वो न्यायपालिका से जुड़ा हुआ संबंध है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 44 में आ जाओ, भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता प्रथम बैंक कौन था? वाह बहुत अच्छा सवाल पूछ कहता है, सबको मालूम होगा इस बैंक का नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसमें कि पूरा रूप से किसका पैसा लगा था, हमारा इंडियन का पैसा लगा था, ठीक है। 1881 में स्थापित किया गया था, ठीक है मुस्कान नैना। चलो 95 में 45, एक पन्ना लेकर बैठना तुम लोग, खाली कहानी मत सुनना, हम यहाँ सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे हैं। पन्ना रखना, जहां जहां चीज होगा वहां लिखना, अगर याद है फिर भी रिवीजन हो जाएगा उससे आप लोगों को, है ना। 45 में आ जाओ, अब हमको क्या करना है, मिलान करना है, तो मिलान करो। अब कहता है कि क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमको सही उत्तर चूज करना है, ठीक है। एक तरफ इसी भी दिया गया हुआ है और एक तरफ हमारा क्या दिया गया हुआ है, हमारा दिया गया हुआ है ये युद्ध, ठीक है। देखिएगा कि पहला में क्या कह रहा है, प्रथम यानी फर्स्ट आंग्ल क्या है, मराठा युद्ध, यानी अंग्रेजों और मराठा वाले के बीच में युद्ध कब हुआ था, यह हुआ था 1775 से लेकर के 1782 के बीच में। हम लोग जानते हैं, याद होगा, फिर जो चीजें हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ है 1767 से 1779, ये तो गलत हो जाएगा ना, भला गलत हो जाएगा। सेकेंड कहता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, यानी थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये सही बात है, ये 1790 से 92 में हुआ था, ये हमारा सही स्टेटमेंट है ना। फिर सी कहता है तीसरा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी फर्स्ट अंग्रेजों और म्यांमार वाले के बीच में आंग्ल म्यांमार या बर्मा युद्ध है ना, हाँ आंग्ल बर्मा युद्ध जो था ये भी हुआ था 1824 से लेकर के 26 में, ये भी सही बात है। एक और कहता है कि द्वितीय क्या, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये द्वितीय सिख युद्ध इसमें दिया गया 1845 से 46, ये गलत है, ये 1848 से किस में हुआ था, 49 में हुआ था, ठीक है। यानी हमारा दो ही ना सही हुआ और बाकी क्या हुआ, बाकी गलत है, तो हमको सही चूज करना है, ठीक है मुस्कान। तो सही में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हाँ दो और तीन कहीं है, हाँ डी में है। और देखिएगा कि ये जो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना, इसी युद्ध में अंग्रेज ने पूरा क्या किया, सिख साम्राज्य को अपने में मिला लिया था, है ना। चलो और अच्छा प्रश्न आगे, 46 में आ जाओ, निम्नलिखित युगम में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हमको क्या करना है, चूज करना। देखिएगा पीट्स इंडिया एक्ट जो है वो बारन हेस्टिंग से जुड़ा संबंधित है, हाँ कि ना, हमको क्या करना सही नहीं है, मतलब गलत हमको है। तो पीट्स इंडिया एक्ट जो है वो बारन हेस्टिंग के समय आया था, सही कथन है ना। बी कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी का है कॉन्सेप्ट है, ये भी सही कथन है। वरना कूलर प्रेस एक्ट जो है ये कर्जन का नहीं है, ये किसका है, ये हाँ लॉर्ड लिटन का है, ठीक है। इसमें क्या कर्जन दिया है ये गलत है। इल्बर्ट बिल किसका है, लॉर्ड रिपन का है, अभी डिस्कस किए हैं, रिपन का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ चीज समझिए ध्यान से, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि वरना कूलर प्रेस एक्ट ये क्या था, ये था कि भारतीय जितने भी पत्र है ना, पत्र क्या है, समाचार है, उस पर क्या लगाना था, प्रतिबंध लगाना था कि छापने से पहले हमको तुम पढ़वाओ, अच्छा लगा हमें बोलेंगे तभी तुम उसको छाप पाओगे, ठीक है। तो देखिएगा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होता है वो सबसे पहले लॉर्ड लिटन लाता है, क्या है, लॉर्ड लिटन लाता है,
ये लाता है 1878 ईस्वी में, और इस अधिनियम को क्या करता है, समाप्त करता है। ये शुरू करता है कौन, लॉर्ड लिटन, और समाप्त कौन करता है, लॉर्ड रिपन। कब करता है, 1882 में। अब समझिए ध्यान से, वर्नाकुलर स्पेसिफिकेशन एक अधिनियम होता है, लॉर्ड लिटन साहब लाते हैं। इनका कहना था कि आज के बाद जो भी भारतीय समाचार पत्र अथवा पत्रिकाएं प्रेषित होंगी या छपेंगी, तो छपने से, उस समाचार को छापने से पहले एक समाचार हमारे गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको तुम दिखाना, वो ये प्रूव करता तभी तुम क्या कर सकते थे, छाप सकते थे। ठीक है, कुछ समय तक चला, लेकिन जब लॉर्ड लिपन का शासन काल आता है तो ये सोचता है, तो उदार प्रवृत्ति का है ना, ये सोचता है कि बताओ कि जब हम प्रेस पर ही आज स्वतंत्रता नहीं देंगे तो हमारा लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो रिपन क्या करता है, इसको खत्म करता है, इनके नियम को। रिपन बोलता है कि देखो तुम्हारा पत्र है, तुमको जो छापना है तुम छापो। इसी कारण से लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है, प्रेस का मुक्ति दाता। पढ़े है ना, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी क्यों होगा, क्योंकि कर्जन से जुड़ा हुआ नहीं है, लिट्टन और रिपन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बताओ परवीन, प्रेस कौन शुरू किया था, लिट्टन शुरू किया, खत्म कौन किया, रिपन। कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय का शासन पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, अब आपका ये तो खैर फैक्चुअल है, इसमें तो समझने वाली बात है नहीं। देखिएगा कि पहला कहता है लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन। सेकेंड कहता है, क्या नाम है उनका, चेम्सफोर्ड। थर्ड कहता है हार्डिंग, और चौथा कहता है इरविन, है ना। अब देखोगे कि लॉर्ड कर्जन जो था, इसका समय कब से होता है, 1899 से लेकर के 1905 तक होता है। चेम्सफोर्ड का 1916 से लेकर के 1921 तक होता है। हार्डिंग का 1910 से लेकर के 1916 तक होता है। इरविन का 1926 से लेकर के 1931 तक होता है। अब इसमें सबसे कम पहले कौन, क्या कहता है, कौन सी चीज में पूछता है, पदार्थियों का सही काल क्रम, है ना। तो सबसे पहले कौन आया, कर्जन आया, एक नंबर आया, उसके बाद कौन आएगा, हाँ एक के बाद तीन आएगा, हार्डिंग के बाद कौन आएगा, जेम्स फोर्ड, उसके बाद कौन आएगा, एक तीन दो चार कहीं पर है, हाँ देखो ए में ही है, एक तीन दो चार, आंसर क्या हो जाएगा, एक तीन दो चार, है ना। 48 में आ जाओ, भारत में ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित देशी रियासतों के बारे में विचार करना है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। झांसी को कब मिलाया गया, 1854 में। संबलपुर को कब मिलाया गया, 1849 में। सत्रह को कब मिलाया गया, 1848 में, है ना। इसको घटते क्रम में देखिए तो क्या होगा, 3 2 1, है ना, वहां लिख लेना ऊपर में, झांसी 1854, संबलपुर 1849, और सतारा 1848, है ना। पहले सतारा को कैच किया 1848 में, फिर संबलपुर को किया 1849 में, फिर झांसी को किया 1854 में, है ना। हमको इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, हम लोग गाना गाते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और इतिहास उसको बहुत बढ़ चढ़ के लिखता है, हर राइटर लिखता है कि बहुत मर्दानी थी, लड़ी थी, हमने इसको फोड़ फाड़ दिया। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई जो थी वो अपने साम्राज्य बचाने के लिए लड़ी थी, न कि हमको आजाद करवाने के लिए। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, विदर्भ में, महाराष्ट्र में, बिहार में ऐसी ऐसी आदिवासियां हैं जिनके पूर्वजों ने गला कटवा लिया आजादी है, उसके इतिहास में नाम लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। लेकिन जो बनावटी इतिहासकार हैं या जो बनावटी इतिहास को मोड़ दिया, उनका नाम लिखा जाता है लड़ाई लड़ने में, है ना। कुंवर सिंह का कोई योगदान नहीं था 57 की क्रांति में, वो किसके लिए लड़ रहे थे, बूढ़ों बेचारे अपना जगदीशपुर को बचाने के लिए। हम लोग क्या बोलते हैं, बूढ़ों के टीयर का हो गया, अकेले हाथ तलवार भासता था, पढ़ते हैं ना, बड़ा खराब स्थिति है इतिहास का। चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा। 49 में आ जाइए, 49 कहता है कि निम्नलिखित में से विचार करना है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था। एक बात बताओ, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ये भी गलत है, चौथा में हुआ था, तीसरे में नहीं हुआ था। ये पढ़ेंगे, बीपीएससी पूछा भी क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तीसरे युद्ध में, चौथे युद्ध में, तो चौथे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा युद्ध कब हुआ था, 1799 में, यानी टीपू की मृत्यु कब होती है, 1799, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ध्यान से सुनिएगा रुचि। तो एक दो दोनों गलत हो गया। तीसरा कहता है कि पलासी का जो युद्ध था उसमें नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर, तो सही बात है ना, मिलकर के वहां चला गया था, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा बी फॉर बॉम्बे। 50 में आ जाओ,
कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किसके संबंध थे? बहुत आसान प्रश्न है, मध्य प्रदेश से थे ना? अच्छा बिहार से थे, चलो बिहार से थे, ठीक है। 51 में आ जाओ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? झांसी प्रभावित था ना, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, जगदीशपुर प्रभावित था, कुंवर सिंह लड़ रहे थे, लखनऊ प्रभावित था, कोई वहां की नवाब लड़ रही थी लखनऊ का, है ना, क्या नाम था, बेगम हजरत महल, है ना। चित्तौड़ स्वतंत्र, चित्तौड़ तो राजस्थान में, वहां से मतलब नहीं था, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी फॉर बॉम्बे। 52 में आ जाओ, 52 बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। पहला कहता है, हमको कथन दिया गया है नैना, कथन पर हमको विचार करना है, ठीक है रवि ना। देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथून स्कूल स्थापित किया, सही कि गलत? अरे आप लोग पढ़े हैं ना, दरोगा में कई बार सही क्वेश्चन पूछा हुआ है, कलकत्ता में बैथून कॉलेज, बैथून नाम है आदमी का नाम है, की स्थापना कौन किया था, क्या नाम है इनका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, ये नाम दिया गया हुआ है, ईश्वर चंद्र, सही कि गलत बताओ तो सही परवीन, कोई आदमी। देखो ये किताब में है सर। कहता है कि सही बात है, यानी कलकत्ता के बैथून कॉलेज की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, ये सही बात है, एनसीईआरटी में भी लिखा गया हुआ है, स्पेक्ट्रम में भी, हर किताब में आपको है। लेकिन ये वास्तव में अगर अंग्रेजी का किताब पढ़िएगा, अंग्रेजी किसी राइटर का, उसमें ये कहा गया था कि कलकत्ता का जो बैथून कॉलेज की स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना JAD बैथून ने 1849 में किया था। किसने किया था, JAD बैथून 1849 में। और जब ये स्थापना कर रहा था तो जिस जगह पे कॉलेज स्कूल बना है ना, वो जमीन दिलवाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, और दोनों ने मिल करके इसका क्या था, स्थापना किया था। आप ये कह सकते हैं कि बैथून कॉलेज की स्थापना में JED बैथून के साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ईश्वर विद्यासागर ने इसका स्थापना किया था। आई बात समझ में, तो ये कथन सही हमारा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस स्कूल का कॉलेज का स्थापना कौन किया था, JED बैथून साहब ने, ठीक है। तो हमारा पहला कथन सही होगा, है ना। सेकेंड में आ जाओ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, सही कि गलत? ये देखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय, तो 1858 ईस्वी में यहां से दो व्यक्ति जो थे, दो व्यक्ति पहला बार क्या किया था, बीए किया था, पहला ऐसा व्यक्ति था कि जो बीए किया था, उसमें पहला व्यक्ति का क्या नाम यहाँ दिया गया, क्या नाम है उनका, कौन सा क्वेश्चन है, इतना छोटा लिखल है कि, हाँ 52 का सेकेंड, क्या नाम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये ब्राह्मण थे, बंगाली ब्राह्मण थे। और एक और इनके साथ में दोस्त, उनका नाम था गट्टू नाथ बोस, ध्यान रखिएगा। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे भारत के सबसे पहले क्या थे, स्नातक थे। और सबसे पहली महिला का अगर नाम आएगा तो क्या नाम आएगा, कौन गांगुली थी, कादम्बनी गांगुली, ध्यान रखिएगा। अगर महिला की बात करते हैं तो सबसे महिला कौन थी पहले, कादम्बनी गांगुली, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि आप लोगों में से किसी ने इसका नाम सुना होगा, है ना, किसका, गट्टू नाथ बोस का, है ना, पहली बार सुने हैं, ध्यान रखिएगा, 1858 था, वो दोनों साथ साथ दोनों दोस्त थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, अनुज, रवि, अभिषेक, रामाधीर सिंह, यस नेहा, अगस्त मलाई, क्या है वो, अगस्त्या है, अगस्त्या क्लासेस कोई होंगे, है ना, अगस्त ऋषि का फोटो टांग के रखा हुआ है बेचारे, कौन सा क्वेश्चन, 52 हो गया, हाँ तो ये सही हो जाएगा हमारा। 53 में, 3 में आ जाओ, केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालिक गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगवाया था, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन नहीं लगवाया था, है ना। और ये कब लगा था, ये लगवाया था 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा, है ना, ध्यान रखिएगा, 1829 ईस्वी में जो विलियम बेंटिक साहब थे, उस विलियम बेंटिक साहब ने सती प्रथा पर क्या लगा दिया, रोक लगा दिया, है ना। और इसके पीछे कौन व्यक्ति थे, इनके पीछे व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, RRR, है ना। चलो आगे बढ़े, जरा सोचो कि अभी किसी का खाना वाना से आप लोग बनाते हैं, लड़कियां ज्यादा खाना बनाती है, कभी कुकर में हाथ सरता तो कितना दर्द होता है, सोचो कि उस समय में, कल्पना कीजिए आप लोग, कल्पना कीजिए कि उस समय अगर हम रहे होंगे, हम मर गए होंगे, और हमारी चीज, हम तो मर गए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगा नहीं पता चलता उसमें मरने के बाद में, और हमारी पत्नी को भी जिंदा मदिरा पिला करके
दारू पी पिला देता था कि अनकॉन्शियस हो जाए, दारू पिला करके हमारी चिता पर पत्नी को बैठा देता था, आग लगाता था, हमको लगता था किसको, पत्नी भी जलती। सोचो कि कितना चिल्लाती होगी, कितना उसको दर्द होता होगा, उस दर्द की कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं ना, आधुनिक भारत का पिता हम लोग बोलते हैं राजा राम मोहन राय को, एक पूरा जागरण का पिता बोलते हैं। बहुत एक बहुत बड़ी बात था महिला का सती होने से बचाना। अगर वो प्रथा नहीं समाप्त होता तो आज जितनी भी महिलाएं जिसमें घूम रही है ना, सबको पकड़ के लोग सती बना देता, अगर नहीं समाप्त होता तो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस आर आर साहब का बेचारे का, है ना। जिसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक और दो, तीन गलत होगा। तीन गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया केशव चंद सेन, बल्कि होगा होगा क्या, राजा राम मोहन राय होगा। तो केशव चंद सेन को गोल घेर करके वहां लिख लीजिए राजा राम मोहन राय, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। 53 में आ जाइए, 53 में कहता है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्लेस एक्ट निरस्त किया, अभी ना पढ़े हैं, कौन खत्म किया था बताओ तो, अनुज रिपन की लीटन खत्म कौन किया, रिपन लागू कौन किया, लिटन। चलो 55 में आ जाओ, 54 में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही हमको पूछा जा रहा है। पहला कथन कहता है, पहला है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। अच्छा कौन सा कथन सही है, मतलब इसमें तीन ठो गलत होगा एक सही होगा। पहला कहता है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक उपनिवेश था, सही कि गलत। यहीं पर है मालाबार तट के पास में क्या, कोची हो गया। अब हमसे यह पूछता है, कथन कहता है कि ये कोची जो है आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक, यानी स्वतंत्रता कब था, 1947 तक, तो क्या यह आधुनिक कोची 1947 तक इस पर डच का शासन था, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिएगा कि हमारे यहाँ डच तो पहले आए थे, पढ़ते हैं ना, पहले पुर्तगाली आया, फिर क्या आया, इंग्लिश आया, फिर डच आया, फिर कौन सा आता है, पेन ड्राइव फ्रेंच आता है, यही आता है जो तीसरे नंबर पे होता है। तो ये कहता है कि क्या इस कोची पर डच का शासन था। ध्यान रखिएगा, जब पनिया जहाज से लोग सागर पार करके आता कहाँ है, केरल के तट पर आता है, तो डच साहब भी यहाँ पर आता है, कहाँ पर, कोची में आता है। यहाँ पर क्या करता, अपना बट बैठा, घर द्वार बिजनेस मकान बनाया, कारखाना बनाया। देखिएगा कि बाद में अंग्रेज भी क्या होता है, इस पर आता है, यहाँ पर क्या होता है, आता है। तो अंग्रेज जब आता है तो देखता है कि अरे डच वाला तो बहुत पहले से डेवलप हो चुका हुआ है, पहले यहाँ पे कोची में ना पहले डच है ना, बाद में कौन आता है यहाँ पर, अंग्रेज आता है। अंग्रेज देखता है कि कोची तो बहुत डेवलप हो गया है, तो अंग्रेज के मन में लालच जगता है कि हम कोची को क्या करेंगे, कोची पर हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो 1795 ईस्वी में कुलाचल की लड़ाई होती है, ये आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़े होंगे, है ना, स्पेक्ट्रम में नहीं दिया गया होगा। देखो ध्यान से, 1795 में क्या होता है बाबू, कुलाचल की लड़ाई होती है, और ये लड़ाई होती है किसके बीच में, अंग्रेज वर्सेज डच महाराज के बीच में। इस युद्ध में अंग्रेजवा जो होता है ये जीत जाता है, और डचवा जो होता है वो क्या होता है, अनुज हार जाता है। तो हमारा जो पहला कथन है कि आधुनिक कोची 1947 तक डच शासन का था, ये गलत हो जाएगा ना, गलत क्यों होगा, ये तो 1795 में ही कौन ले लिया, अंग्रेज ले लिया, तब से अंग्रेज का युवा शासन था, ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे हमको नया फैक्ट क्या मिला कि कुलाचल की लड़ाई किसके बीच में लड़ा गया था, अंग्रेज और डचों के बीच में, इसमें जीता कौन, अंग्रेज, और किस कारण से हुआ था, तो हुआ था कोची पर अधिकार के लिए, आया समझ में। चलिए तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी कहता है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था, ये भी कथन सही है हमारा, है ना, ये कथन सही है कि डच जो था पुर्तगाली को, डच जब आया था ना तो डच से पहले इस पर किसका शासन था, पुर्तगाली का था, तो डच आया तो डच को ने पुर्तगाली को हरा दिया, और हरा करके वहां पर अपना कब्जा कर लिया, बाउंड्री वाल कर लेते हैं, कब्जा कर लिया, प्लॉटिंग कर लिया, और क्या करता है वहीं पर अपना उपनिवेश स्थापित करता है, ये सही बात है, ठीक है। सी कहता है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, अभी ना पढ़े हैं, आधुनिक कोची में पहले किसका अधिकार था, पुर्तगाली का, पुर्तगाली से कौन हरपा, डच हरपा, डच से कौन हरपा, अंग्रेज हरपा ना। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगाली का अधिकार नहीं, पुर्तगाली का तो पहले था, बाद में किसका अधिकार हो गया, अंग्रेज का, तो जहां पुर्तगाली है वहां घेर करके आप अंग्रेज लिखिए ताकि रिवीजन में आपको सुविधा हो जाए, ये भी गलत है। डी कहता है कि आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, सही की गलत,
गलत होगा ना भाई, 1795 में मैंने जीत लिया था वो कोची को, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरे को सही कौन मिला? सही हमको मिला बी। समझ में आया प्रियंका सुमन? चलो आगे बढ़ते हैं, 56 में आ जाओ। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए, इसका आंसर जा 55 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना किया था। आप पढ़े होंगे लूसेंट में भी काफी आसान सा प्रश्न है कि आधुनिक पुलिस का जो हम लोग संरचना देखते हैं उसके पिता बोला जाता है लॉर्ड कर्जन को, है ना। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? एक सुव्यवस्थित पुलिसिया व्यवस्था का स्थापना किया था, न कि वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग को वहां गोल करके क्या कर दीजिए, वहां करके डाल दीजिए लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बी कहते हैं। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था, तो सही बात है। तीसरा कहता है कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ था, सही बात है। जो आईपीसी का है ना, 1860 में पहला बार लागू हुआ था। अब तो खैर फट गया ना वो, अब कौन सा आया? इंडियन पिनल कोड आ गया हुआ, आईपीसी आ गया हुआ है ना, जाके क्या नाम से बोलते हैं, हाँ भारतीय न्याय संहिता आ गया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा बी। ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा अभिषेक? क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड कर्जन होगा, हेस्टिंग्स साहब नहीं होंगे। आधुनिक पुलिस बल की स्थापना का ध्यान रखिएगा, आधुनिक पुलिसिया व्यवस्था का पापा कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन था। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 में आ जाओ। 18वीं शताब्दी में लड़ा गया युद्ध, ये बहुत बार पूछा है, बीपीएससी दो दो बार रिपीट किया हुआ है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें मिलान करना, सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, बाद में कौन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, वहां पे लिख लीजिए, अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में, और ये अंबर का युद्ध हुआ था वो अनवरुद्दीन और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, फिर बाद में हुआ था पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें कि कौन जीत गया था? अंग्रेज जीत गया था। फिर हुआ था बांडीबास का युद्ध 1760 में, फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में कि कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गया। फिर हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गया। सिंपल सा बात है। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ? अंबर का 1749 में, फिर पलासी का 1757 में, फिर बांडीबास का 1760 में, फिर बक्सर का 1764 में। हो गया ना, इसको कोड में याद करना, ए से अंबर, पी से पलासी, भी से बांडी और बी से बक्सर, तो एपी बीपी ऐसे याद रखिएगा इसको, एपी भी बी ऐसे याद करना है ना, अंबर, पलासी, बांडीबास, बक्सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 57 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा कि 1884 ईस्वी में है ना, यानी जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उससे एक साल पहले, हमारे यहाँ फेबियन वाद का कॉन्सेप्ट चला था, फेबियन वाद सिद्धांत था है ना, सिद्धांत ये यूरोप कंट्री में चल रहा था। तो ये जो फेबियन वाद था वास्तव में क्या था, ये फेबियन वाद क्या था, एक समाज था, क्या था, एक समाज था। और जो फेबियन वाद समाज था ना, उनका ये कहना था कि यूरोप में भी गरीबी है, वहां भी भुखमरी है, तो हम लोग किसी अमीर व्यक्ति से या पूंजीपति वाले व्यक्ति से ना लड़ करके अपने अधिकार को नहीं मांगेंगे। यानी फेबियनवादी समाज या फेबियनवादी विचारधारा वास्तव में एक समाजवादी विचारधारा है, जो किसी भी प्रकार के सामाजिक हिंसा का प्रतिकार करता है और अहिंसा के माध्यम से सुसंगठित लोकतंत्र की स्थापना पर वो बात करता है। और इसका जो सबसे बड़ी प्रणेता थी वो एक लेडी थी, क्या नाम था उनका? एनी बेसेंट। और बाद में जब वो दीदी यहां पर आती है तो कांग्रेस की स्थापना में भी इनका क्या होता है? योगदान होता है, होता है ना, एनी बेसेंट साहब का। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? कैसे? हाँ सही बात बोल रहे हैं, भारत में ये 1893 में आया था, लेकिन 1884 में ही हमने क्या बताया था, ये यूरोप में ये सिद्धांत चालू था। एनी बेसेंट हमारे यहाँ 1893 में आई होती है ना, फिर बाद में जूरी भी थी हमारे यहाँ, बहुत काम भी की थी वो वेलफेयर का। ठीक है, चलिए, तो ये फेबियनवाद इसी को बोलते हैं। ठीक है, यानी हमारे यहाँ का समाजवाद, यूरोप का क्या, फेबियनवाद, दोनों एक ही बात हो गया। ठीक, 58 में आ जाओ। 58 कहता है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है तो विचार कीजिए। पहला कहता है कि चार्टर अधिनियम 1853 में तिरपन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया, सही की गलत?
देखेंगे 1813 का अधिनियम था, 33 नहीं था, वहां घेर करके क्या लिखिएगा 13, ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड कहता है नैना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया और भारत में सीधा प्रशासन उत्तरित कर दिया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट है, ये सही हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 में आ जाओ। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है तो विचार कीजिए। कहता है कि किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया था। देखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक बहुत बढ़िया उपन्यास था, क्या नाम था उनका, आनंद मठ। आनंद मठ इसका जो प्रकाशन था यह हुआ था 1882 ईस्वी में, और इस आनंद मठ का जो क्या था, इसको यह कह लीजिए इसका मतलब स्रोत क्या था, तो स्रोत था इसका कौन सा, सन्यासी विद्रोह। भरे भी होंगे आप लोग, और यह भी बीपीएससी पूछा है क्वेश्चन है, इसका कौन लेखक था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिएगा कि सन्यासी विद्रोह आखिर होता क्या है, देखिएगा ध्यान से कि हमारे बंगाल में 1770 ईस्वी में क्या पड़ा, घनघोर अकाल पड़ा था, ठीक है। अकाल पड़ने के बाद में देखिएगा फिर भी जो अंग्रेज अधिकारी था ना, उसका काम था कि भाई अकाल पड़ने कुछ रिलैक्स दो ना भाई, लेकिन नहीं, अकाल पड़ा उसके बाद भी अंग्रेजी सरकार ने वहां से टैक्स कलेक्शन क्या रखा, शुरू रखा। यहाँ तक कि जो हिंदू साधु हुआ करते थे, जो मुस्लिम मौलवी हुआ करते थे ना, बोलता था कि बाबा जी तुमको भी टैक्स देना होगा, तो ये बोला साधु संत बोलता है कि अंग्रेज को कि सर हम जाते हैं जी दरवाजे पर भीख मांगने के लिए, अनाज लेने के लिए, अभी तो अकाल पड़ा है तो वो तो हमको अनाज दे भी नहीं करता, हम कहाँ से आपको टैक्स देंगे। अंग्रेज बोला कि ना तुमको फिर भी देना पड़ेगा। तो वास्तव में पूरा सन्यासी इकट्ठा हो करके विद्रोह कर दिया, किसके प्रति, हमारे ब्रिटिश सरकार के टैक्स के नीति के प्रति, है ना, इसी को बोला जाता है सन्यासी विद्रोह। उसका छवि कैसा कैसा था ना, इसी को फिर बाद में 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कर दिया था, इनका ये आनंद मठ में ये किताब लिखते कि क्या क्या उसका पृष्ठभूमि था। समझ में आ गया ये क्या कहानी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज समझ लीजिए, इसका जो सर एक नेता होगा ना कोई साधु का, इसका नेता कौन था, लीडर कौन था, केना सरकार। सन्यासी विद्रोह जो था इसका जो लीडर था, उस लीडर का नाम था केना सरकार, ठीक है। फीमेल नेता कौन थी, जो हमारे इतिहास में जिन पर किताब भी लिखा गया है, फिल्म भी बना होगा, सीरियल भी बना हुआ है, उनका नाम था देवी चौधुरानी। वो ध्यान है जब बच्चा में थे, कितना 5-6 साल का था, टीवी पर सीरियल आता था देवी चौधरानी, छोटा सब था, अब तो बंद हो गया, वो डीडी नेशनल पर आया करता था वो, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है अगस्त मलाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए कि 60 में आ जाओ। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। 59 का होगा सन्यासी विद्रोह परवीन, 59 का डी और दिल्ली, इसका बताओ ना। 60 का बड़ा आसान क्वेश्चन है, ताटिया टोपे, है ना। क्या आपको लगता है कि कोई राजपूत व्यक्ति किसी आदमी को धोखा दे सकता है उस समय में, अभी का तो खैर डुप्लीकेट होता है, कोई राजपूत होगा तो भाई बुरा मत मानना, है ना, अभी लोग कसम नहीं निभाता है। आपको लगता है कि पहले का जो राजपूत था वो धोखा दिया होगा, दिए हैं, अरे वाह। देखिए कहानी क्या समझ लीजिए, हालांकि हम तो उसी के साथ जाएंगे जो किताब कहता है ना कि धोखा दिया मतलब दिया, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। जब आप राजस्थान पीसीएस का जब हम मेंस दिए हुए थे दिल्ली में थे, तब उसमें पढ़ना पड़ता है इतिहास, उसका कल्चर पढ़ना पड़ता है, राजस्थान का कल्चर, उसकी कहानी हम आपको बताते हैं। देखिएगा तात्या टोपे, इनका एक बहुत बढ़िया दोस्त था, उस दोस्त का नाम क्या था, मान सिंह, बने होंगे। तो इन्हीं पर आरोप लगाया जाता है क्या कि तात्या मतलब मान सिंह किसके पास में चले गए, अंग्रेज के पास में चले गए और बोले कि फलाने जगह तात्या टोपे जाके पकड़ लीजिए, उसको फांसी पर टांग दीजिए। क्योंकि तात्या टोपे अंग्रेज के लिए क्या बन गया था, नासूर बन गए हुए थे, है ना, नहीं पकड़ में आ रहे थे। तो देखिएगा कि घर का बेदी लंका गए, तो अंग्रेज अधिकारी को पता था कि मान सिंह इसके बहुत करीबी दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो ये कहां कहां जाएगा, क्या रणनीति होगी, मान सिंह को पता होगा। तो अंग्रेज ने मान सिंह को पकड़ा, अंग्रेज ने क्या करा, मान सिंह को पकड़ा। और हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि मान सिंह ने अंग्रेजों को पता बताया कि फलाने का तात्या टोपे है, फिर अंग्रेज ने तात्या टोपे को पकड़ा, उसको क्या कर दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन आप उसकी किताब पढ़िएगा, राजस्थान का इतिहास कल्चर पढ़िएगा, उसमें कहा गया था
कि राजा मानसिंह एक अच्छे राजपूत होने का और एक निष्पक्ष राजपूत और निष्पक्ष एक सेनानायक होने के नाते इन्होंने अपने मित्र तात्या टोपे की जान बचाने के लिए इन्होंने अपने एक दुश्मन, दुश्मन का नाम था भागवत नारायण। क्या नाम था उनका? भागवत नारायण। एक दुश्मन भागवत नारायण को पकड़वा दिया, अंग्रेजों को बोला, क्योंकि अंग्रेज तात्या टोपे को देखे नहीं थे। मान सिंह ने बोला कि यही तात्या टोपे है, तो अंग्रेज इसी भागवत नारायण को जाकर के पकड़ करके ले गए। ठीक है, लेने के बाद में जब फांसी पर चढ़ाया गया, तो फांसी पर चढ़ाने के पहले ना इनका हस्ताक्षर लिया जाता है, अंगूठा का साइन सब लिया जाता है। जब इनको फांसी पर टांग दिया गया और तात्या टोपे के सिग्नेचर को इसके सिग्नेचर से मिलाया गया, तो ये मैच नहीं किया। इसका मतलब ये अंग्रेजी किताब में, अंग्रेजी लेखक ने भी लिखा हुआ है, राजस्थान में भी लिखा गया हुआ है, सिग्नेचर मैच नहीं किया, तो अंग्रेजी सरकार को पता चल गया कि ये तात्या टोपे नहीं थे बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति था। लेकिन अब अंग्रेज कैसे जवाब देता जनता को, फिर विद्रोह बहुत ज्यादा हो जाता कि एक निर्दोष व्यक्ति को चढ़ा दिया गया। इसी कारण से अंग्रेज नहीं बोला कि हम भागवत नारायण को फांसी पर चढ़ाए, बल्कि किसको चढ़ाए हैं? तात्या टोपे को चढ़ाए हैं। फिर बाद में ऐसे ही ना देखिएगा, इनकी कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में कि इनकी सामान्य मृत्यु हुई थी। कैसे सुभाष चंद्र बोस का कन्फ्यूजन है ना कि मरे थे कि मर गए कि जिंदा रह गए, कन्फ्यूजन है। उसी प्रकार इनका भी सिस्टम चलता है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी यही कहती है कि मानसिंह ने धोखा दिया तो हम उसी को ना मानेंगे भाई, है ना। लेकिन कहानी है जो आप आपको बताए हैं ताकि समझिएगा, है ना। पहले का राजपूत जान देता था लेकिन जुबान नहीं हिलने देता था, तो समझिएगा। आपका तो गड़बड़ है, आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, 61 में आ जाओ। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बड़ा आसान प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग था, है ना। लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक शासन काल था? 1856 से 62 तक का लॉर्ड कैनिंग का था। ठीक है, तात्या टोपे। चलो आगे बढ़ते हैं। पूजा देखो, एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया था? देखिएगा कि सोम प्रकाश का शुरुआत 1857 की क्रांति के ठीक बाद 1858 में किया था, और ये पहला बंगाली क्या था? पहला बंगाली राजनीतिक अखबार था। ध्यान रखिएगा, सोम प्रकाश, क्या नाम था? सोम प्रकाश, प्रकाशन 1858 में, और प्रथम बंगाली राजनीतिक क्या था? अखबार था। यानी इसमें किसकी बात चलती थी? अखबार की ही, ये राजनीति की ही बातें चला करती थी, है ना। आप लोग मेंस में पढ़ते हैं ना कि राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ? सबसे पहले बंगाल में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वहां का लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति था, है ना। ठीक है अभिषेक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा इतिहास है ना, रिवीजन हो जाएगा, पढ़े तो आप सब लोग होंगे, सब रिवीजन कर लेंगे इसमें, है ना। समझ में आ रहा है भाग्य? आगे देखो, एक और क्वेश्चन है। हाँ, इसको कौन शुरू किया था सोम प्रकाश को? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पता ही होगा आप लोगों को, कह दिया है। हाँ, बी दिया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, 63 में आ जाओ। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित में से किसका एक शासन हटा दिया गया था? देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ना लेब्स की नीति लेकर गया था कि सबको, जिसका राजा का वंशज नहीं होगा ना उसको हम क्या करेंगे, उसके साम्राज्य को हड़प लेंगे हम। ठीक है, तो इसी तरह बहुत प्रकार के राजा महाराजा को हड़प लिया शासन को। लेकिन अवध का जो नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह नवाब था, शादी भी बहुत किया था बेचारा, ये बाल बच्चा भी बहुत था, तो और अवध का, अवध पर कब्जा करने का मतलब हुआ कि आप पूरे देश पर कब्जा कर लीजिएगा। अवध प्रांत समझ रहे हैं, पूरा बिहार पटना का इलाका। अंग्रेज का नजर था कि अवध पर जब तक हम कब्जा नहीं करेंगे ना, तब तक हम यहाँ से कलकत्ता नहीं जा पाएंगे, फिर यहाँ से हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे। इसको पकड़ना बहुत जरूरी होगा। लेकिन लेफ्ट की नीति डुबले का किसका था? वो डलहौजी का था। डलहौजी की नीति को कैसे पूरा करता? वो दिमाग लगाया डलहौजी की, अरे इसका तो बहुत रानी है, बहुत बाल बच्चा है, सबको तो हम मार नहीं सकते हैं, है ना। तब डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया, बोला कि ए वाजिद नवाब अली शाह, तुम सही से शासन नहीं कर रहे हो, तुम प्रजा को दुख दे रहे हो। जबकि नवाब वाजिद अली शाह के समय में हमारा अवध कृषि के रूप में बहुत आगे था, व्यापार के रूप में आगे था, सांस्कृतिक धोती के रूप में बहुत आगे था। लेकिन फिर भी चूंकि डलहौजी को हड़पना था, तो कुशासन के आरोप में उसको क्या कर लिया? अवध को हड़प लिया। तो सबसे पहला प्रांत कौन था? अवध था, जिसको कि कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रुचिला कुमारी देखो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आ गया, हाँ, 64 में आ जाओ। प्रथम कारखाना अधिनियम, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीपीएससी का मेंस दिए होंगे और जिनका एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल रहा होगा, है ना। तो उसमें देखिएगा, उसमें फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 पढ़ना पड़ता है ना। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पढ़ना पड़ता है।
ये अधिनियम जो था ना, ये वास्तव में हमारे यहाँ एक रिवोल्यूशनरी कदम था, है ना। और देखिएगा ये क्यों कदम था, क्योंकि इस समय में लॉर्ड रिपन के द्वारा ये नियम, ये अधिनियम क्या किया गया था, लाया गया था, पारित करवाया गया था। आपको पता है कि रिपन मतलब क्या, उदार, एकदम रिपन, उदार खुला टाइप का, बहुत अच्छा आदमी था। इन्होंने कहा कि किसी भी कारखाने में जो फीमेल होंगी ना, वो फीमेल मैक्सिमम 11 घंटे तक क्या करेगी, काम कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा प्रोविजन था कि 7 साल से कम आयु वाले बच्चे किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रोविजन था कि जो 7 साल से 12 साल करके क्या है बच्चे हैं, वह 6 घंटा तक क्या कर सकते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन प्रोविजन तो बहुत सारे था, प्रदूषण नहीं रखना है, फिर कि जहाँ बच्चों के लिए खेलने का पालन पाल घर या पालना घर होता है वो रखना था आपको, है ना। लेकिन हमको इस क्वेश्चन के अनुसार इसी 3 पे क्या करना है, समझना है। आई बात समझ में, चलो आगे। हाँ, 65 में आ जाओ। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था, सबसे लास्ट में कौन आया था, अभी ना पढ़े हैं, गया था इसमें होगा, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी होगा, ठीक है। देखो पुर्तगाली जो था ना, वो 1458 ईस्वी में हमारे पास इंडिया में आ चुका था। देखिए ध्यान से, 1458 में, सॉरी 1400, हाँ 58 में पुर्तगाली हमारे यहाँ आ गया, ठीक है। फिर 1600 ईस्वी में हमारे पास में कौन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया। फिर 1602 में हमारे पास में कौन आ गया, डच आ गया। 1664 आ गया फ्रेंच, आ गया। तो सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रेंच आया, ठीक है। आप क्या बोल रहे थे बताइए। 1595 में डच वाले आ गए थे, हाँ ठीक है, इंडिया में आ गए थे 1595 में ही, ठीक है। सर तो हमसे लास्ट में पूछ रहा है ना, सबसे लास्ट में 64 फ्रेंच वाला होगा, ठीक है। चल आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कथन पर कौन सा विचार करना है, और पूछना है कि कौन सा कथन हमारा सही होगा। देखोगे पहला कहता है भागश्री कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, सही कि गलत। कौन था, वारेन हेस्टिंग था, है ना। तो उसको गोल घेर करके क्या लिखिएगा, वारेन हेस्टिंग वहां लिख दो, ये गलत हो जाएगा हमारा। जब एक गलत होगा तो हमारा एक दो क्वेश्चन छाड़ दो। फिर दूसरा कहता है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही बात है ना। यानी एक हमारा गलत होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 66 का बी, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। 67 में आ जाओ। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अंग्रेज ने सबसे पहले निर्माण किसका करवाया था, किला का मतलब क्या होता है, मतलब व्यापार करने वाला कोठी, फैक्ट्री था, है ना। ये हमारा इंडिया हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले हमारे यहाँ कारखाना अंग्रेज ने कहाँ कहाँ स्थापित किया। देखिए तो पहला बोल रहा है फोर्ट विलियम, है ना। फोर्ट विलियम कहाँ पर है, देखिएगा फोर्ट विलियम है कलकत्ता में, है ना। तो अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना किया था, ये किया था 1781 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा एक और है, कौन सा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये किया था चेन्नई में। चेन्नई का मतलब कहाँ, तमिलनाडु, यहाँ होगा। क्या नाम है इसका, फोर्ट सेंट जॉर्ज, मैप से याद हो जाएगा, ऐसे याद नहीं होगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसका स्थापना हुआ था 1644 ईस्वी में, ठीक है। एक और है फोर्ट सेंट डेविस, ये था मद्रास में, तो मद्रास यहीं पर होगा। फोर्ट सेंट डेविस ये हुआ था 1670 ईस्वी में, ठीक है। एक और ऑप्शन दिया गया हुआ है फोर्ट सेंट एंजेलो, देखिएगा केरल में जो है ना, केरल में है फोर्ट सेंट एंजेलो, इसका स्थापना हुआ था 1505 ईस्वी में, ठीक है। अंतर क्या है कि फोर्ट सेंट एंजेलो की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था, कौन किया था बाबू, पुर्तगालियों ने, और बाकी फोर्ट विलियम कॉलेज हो या फोर्ट सेंट डेविड कॉलेज हो या फोर्ट सेंट जॉर्ज हो, इसकी स्थापना कौन किया था, अंग्रेज किया था, ब्रिटिश किया था। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले निर्माण किसका किया था, बताओ। 16 सबसे कम कौन है, फोर्ट सेंट डेविड का ना, कहाँ गया, हाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज 44 में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी बी होगा, सॉरी फोर्ट सेंट जॉर्ज का। आया समझ में, केवल फोर्ट सेंट एंजेलो का सपना कौन किया था, पुर्तगाली, 1505 में, ठीक है। चलो
चलो 68 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक किताब लिखा है बताओ। पूजा गुप्ता का ऑप्शन है कि बी, बी मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। बात तो आप सही कह रही हैं पूजा। तो एक और बात बताइए कि विद्यासागर ने एक और किताब लिखा है, क्या नाम है उसका। विद्यासागर। इनका दो किताब बहुत ज्यादा फेमस है, जिस किताब का उपयोग ये प्रयोग या हम लोग रेफरेंस महिला उत्थान या सामाजिक उत्थान में करते हैं, ठीक है। पहला किताब का क्या नाम दिया गया हुआ है, क्या लिखा है, कहाँ है, बहु विवाह। अच्छा, बहु विवाह लिखा हुआ है, पहला लिखा गया हुआ है बहु विवाह। एक और किताब है, उस किताब का नाम है बाल्य विवाहेर दोष। बाल्य विवाहेर दोष, दंती से होगा, तालाब से नहीं होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के उत्थान के लिए दो किताब लिखा, पहला लिखा है बहु विवाह, दूसरा लिखा था बाल्य विवाह हेतर दोष। यानी अगर आप किसी लड़की का बच्चे में शादी करते हैं, उसके क्या क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो सामाजिक कुरीतियों के बारे में लिखा गया हुआ है ना। एक नई जानकारी हमको मिली यहाँ पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के कहने पर ना आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पढ़े थे ना अभी, कब आया था ये। हाँ, उस समय कौन था हमारा अंग्रेज अधिकारी, 1856, कौन था, लॉर्ड कैनिंग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 में आ जाओ। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, मिलाओ तो स्तुति। पहला कहता है कि बंकिमचंद चटर्जी, दूसरा कहता है दीन बंधु मित्र, तीसरा कहता है प्रेमचंद्र। अब एक तरफ लेखक है, दूसरा किताब का नाम है, बताओ कि प्रेमचंद्र का कौन सा किताब इसमें से है। शतरंज के खिलाड़ी, तो सी का पहला देखो कहीं पर है। अच्छा, ए और सी दोनों में इसका आंसर, यानी बी और डी तो नहीं होगा, उसको काट देंगे हम। दीन बंधु मित्र का क्या है, नील दर्पण है, बीपीसी बहुत बार पूछा हुआ है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था देवी चौधरानी, है ना। यानी अभी हम पढ़े हैं ना, देवी चौधरानी कौन थी, सन्यासी विद्रोह की। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था, बताओ। बताओ तो नैना, तुम इसको पढ़ी हो, तुम यहाँ पढ़ने भी गई थी, बताओ तुम्हारे कॉलेज का स्थापना कौन कौन किया था। तीन व्यक्ति मिलकर किया था, राजा राम मोहन राय थे, डेविड हेयर थे, और कौन था, अलेक्जेंडर डब था। वो तीनों मिलकर के क्या किया था, कलकत्ता का हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। कब किया था, 20 जनवरी 1817 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लेना कहीं पर ऊपर में, 20 जनवरी 1817 ईस्वी को हिंदू कॉलेज का स्थापना होता है, कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। 71 में आ जाओ, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है तो विचार करते हैं। भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाया गया था, सही कि गलत। फर्स्ट टेलीग्राफ 1850 ईस्वी में कहां पर, कोलकाता एंड डायमंड हार्बर, ये दोनों एक ही जगह है, अब ये सही हमारा, है ना, थोड़ा दूर के लिए चला था। दूसरा कहता है भारत में प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र यानी पहला एक्सपोर्ट का जो ऑफिस था सबसे पहला सेज वाला कहां बना था, कांडला में बना था, गुजरात में 1965 में, है ना, ये भी सही है। ये पहला क्या, पहला सेज का सीमित क्षेत्र, सीधे समझो इसको, वो कहां बना था, 1965 में कांडला, ये भी सही हमारा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हमारा आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों, ठीक है। तो 71 का हो जाएगा सी। 72 में आ जाओ, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया। सबको पता होगा कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा का, बीपीएससी का, उसके पहले पापा का क्या नाम है, उसके पिता जनक कौन है, ब्राह्मण जी, हाँ, कॉर्नवालिस, क्या नाम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। 1800 ले से लेकर के 1886 से लेकर के 1893 तक किसका शासनकाल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सेवा का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है नैना, आप तो पहला बार जुड़ी हैं, कुछ बुझा उझा रहा है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया, ऐसे विनिमय का कारण क्या था, कौन सा किया गया था 1793 में। देखिए 1793
93 ईस्वी में, अब चूंकि कलेक्टर वाला बात आ रहा है तो कलेक्टर का मतलब किससे जुड़ा हुआ संबंध आएगा, कॉर्नवालिस से अभी ना पढ़े हैं, ठीक है। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया, मतलब क्या एक प्रकार का क्या लाया था, प्रपत्र लाया। उस प्रपत्र में बोल दिया गया कि भाई जो कलेक्टर साहब होते हैं, ये कलेक्टर साहब का दो ठो काम दिया गया था। पहला काम दिया गया था बाबू, इसका काम दिया गया था एक राजस्व का संबंधित टैक्स कलेक्शन करने का, दूसरा काम दिया गया था इसको न्याय करने का। तो 1793 से पहले जो कलेक्टर हुआ करते थे वो राजस्व भी इकट्ठा करते थे, जैसे कि घर का टैक्स लेना है, जमीन का टैक्स लेना है, पोखरी का टैक्स लेना है, कंपनी का टैक्स लेना है, और कलेक्टर साहब न्याय भी करते थे, यानी अगर कोई विवाद होता था, झगड़ा होता था, उसको वो लोग जज के भांति वो काम भी करते थे। कलेक्टर साहब बड़ा पावरफुल था, कलेक्टर नामे से स्पष्ट है कलेक्टर। लेकिन कॉर्नवालिस ने देखा कि अगर एक ही व्यक्ति, भाई कलेक्टर तो एक ही पद होगा ना, एक ही व्यक्ति में यदि हम राजस्व पैसा वाला हम भेज दें, है ना, और एक ही व्यक्ति में यदि हम न्याय वाला भेज दें, तो ये तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कॉर्नवालिस बोला कि ना, अब इसको हम काम को छांट देंगे। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, बोला कि कलेक्टर अब केवल क्या काम करेगा, राजस्व वाला ही काम करेगा, न्याय वाला काम अब नहीं करेगा। न्याय वाला काम अब कौन करेगा, ये काम करेगा न्यायालय, क्योंकि एक ही व्यक्ति में हम पावर को सेंट्रलाइज नहीं होने दे सकते। आई बात समझ में, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था जिला कलेक्टर में संकलित इतनी विशिष्ट शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है ना। क्यों, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता था, यानी पावर को वो क्या करता था, बांटता था, जो सीमित नहीं करता था। आई बात समझ में, आगे बढ़े, चलो 74 में आ जाओ, अहमद शाह अब्दाली, है ना। हाँ, अहमद शाह अब्दाली के भारत और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था, बताइए क्या कारण था। अहमद शाह अब्दाली भारत पर क्यों लड़ाई, मतलब क्यों चढ़ाई किया। पूजा ये बोलती हो रे, बोलो, बहुत सही बात है। देखो हुआ क्या था, अहमद शाह अब्दाली एक अफगान था, अफगान मतलब क्या, लुटेरा प्रवृत्ति का। तो अहमद शाह अब्दाली क्या करता, उसको पता चला कि रे इंडिया में बहुत पैसा है, सोना चांदी सब है, घोड़ा भी है, हाथी मिल, चलो वहां चढ़ाई करो। तो पहले अहमद शाह अब्दाली नहीं गया, ठीक है। वो क्या किया था, वो सबसे पहले उनका एक अपना चेला चपाटी था, वो चेला चपाटी को, उनका बड़ा अच्छा एक नाम था, नाम उसका हम मिस कर रहे हैं, हाँ उनका नाम था तैमूर शाह। अहमद शाह ने तैमूर शाह को बोला कि भाई तुम जाओ लड़ाई करो। तो देखिएगा कि हमारे यहाँ आने के क्रम में क्या होता है, अगर अफगान से हम यहाँ पर इन करते हैं तो ये ऐसे ही आएंगे, है ना। तो ये सब पूरा का पूरा, ये पूरा इलाका जो था मराठों का आधिपत्य में था, है ना, सिख भी था, मराठा भी था, लेकिन मराठा का शक्ति से बाबर बहुत एक्सपेंशन ज्यादा था। तो ये जो शाह साहब थे, तैमूर शाह जो थे, जब ये तैमूर शाह यहाँ पे आया तो मराठा इसको मार के हटा दिया, बोला कि भागो यहाँ, तुमको नहीं रखेंगे। अब्दाली खिसिया आ गया, बोला कि हमारा चेला को तुम मारे हो। तो अब्दाली आक्रमण किया कि अब हम मराठा को नहीं छोड़ेंगे, क्यों, अपराधी में एक चीज है, अगर उसके किसी दोस्त को तुम हाथ लगा दिए ना, पकड़ के बहुत कूटता है, अभी भी देखते हो कितना बंदूक लेकर सब, इनूटी कितना रहता है उसमें, अभी भी बहुत इनूटी है उसमें। ये अब्दाली खिसिया आ गया, बाद में क्या करता है, ये लड़ाई लड़ता है। तो पानीपत यहाँ कहाँ पर, हरियाणा में है, दिल्ली के पास में, तो यही पानीपत में ही क्या होता है, अहमद शाह वर्सेज मराठा के बीच में क्या होता है, घनघोर युद्ध होता है, लगभग 1.5 लाख सैनिक लड़ता है पानीपत के तृतीय युद्ध में। और ये अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, ये मराठा लोगों को बुरी तरह से पराजित करता है, यानी अपने चेला के हार का वो क्या लेता है, बदला ले लेता है, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली इसलिए आक्रमण करता है क्योंकि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, यानी मराठा जो था लाहौर में घुस करके इस शाह को बड़ी मार मारा था, बोला कि भागो तुमको हम हटा देंगे यहाँ से, जबकि लाहौर पर उसका कब्जा किया हुआ था, है ना। फिर बाद में अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, पूरे पंजाब को महाराष्ट्र को कब्जा में ले लेता है, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था, हाँ ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, है ना। अब देखो जीता क्यों, अहमद शाह अब्दाली का सेना कम था और इसका क्या था, इसका सेना अधिक था मराठा का,
फिर भी ये हार गया, कभी सोचे हो? ये जीता था क्लाइमेट के कारण। जनवरी का मतलब क्या? खूब ठंडा। और दिल्ली, पानीपत तो दिल्ली के पास में, दिल्ली में क्या हाय है? नहीं, दिल्ली की गर्मी भी मशहूर है, दिल्ली का ठंडा भी मजबूत। अफगानिस्तान है क्या? एक पूरा पूरा रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ ठंडा भी खूब पड़ता है, गर्मी भी खूब पड़ता है। तो जो अफगानिस्तानी लोग थे ना, वो ठंडा को ऑब्जर्व कर सकते थे, रोक सकते थे अपने भीतर में। मराठा लोग कहाँ रहने वाले? समुद्र के किनारे रहने वाले, इसको ना गर्मी बर्दाश्त ना ठंडा बर्दाश्त। तो ठंडा में लड़ाई लड़ाई रहती के तो कारण, इसीलिए वो क्या किया, हार गया। बात समझ में आ गया? चलो, बहुत दिनों के बाद ज्वाइन की हो प्रीति, आया समझ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का ए। अच्छा, पानीपत का एक दो तीन युद्ध था ना, वो सब याद है आप लोगों को? हाँ ठीक है, सबको याद है तो नहीं बताएंगे, समय क्यों वेस्ट करें, है ना? फिर अगला क्वेश्चन। सारे बच्चों को याद है ना, पानीपत का पहला लड़ाई, दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुआ था, कौन हारा कौन जीता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी पूछता है सबको, है ना? सब लोग जान रहे हैं, आगे बढ़े हम। चलो एक और क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 75 में आ जाते हैं। जो पांडिचेरी है, जिसको कि वर्तमान में हम पुडुचेरी बोलते हैं, उसके संदर्भ में हमको कथन को क्या करना है, विचार करना है, ठीक है? निशा कुमारी, पहला कहता है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर ना 16वीं शताब्दी में ही क्या किया गया था, कब्जा कर लिया गया था, है ना? ठीक है, सही बात है। यानी पांडिचेरी पर ना 16वीं शताब्दी में आ गया था ना, कौन कब्जा कर लिया था पांडिचेरी पर? बंगाली पुर्तगाली, है ना? सही कथन है। सेकेंड कहता है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। कौन था? डच था, बताए है ना? पहले फ्रेंच आया, फ्रेंच को कौन मारा? डच मारा। डच को अंग्रेजी अभी ना पढ़े है ना, वही कुछ रिपीट कर दिया यूपीएससी, तो ये सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। किया कि नहीं किया अंग्रेज ने? अंग्रेज डच को हराया ना, जो पहले पुर्तगाली आया था उसको हराया कौन? डच। डच को कौन हराया? अंग्रेज। जीत गया, ठीक है। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। 76 में आ जाओ। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। 1793 का भू व्यवस्था प्रणाली बाई लॉर्ड कार्नवालिस। देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड कार्नवालिस ने जब 1793 में एक नया भू व्यवस्था प्रणाली लाया था ना, तो वो लाने के बाद में पूरे भारत में जहां जहां इसका व्यवस्था किया गया था, कानून यानी न्यायालय में ना केस की मात्रा बढ़ गई, यानी जो कोर्ट केस होता है उसकी मात्रा बढ़ गई। क्यों बढ़ गया था? इसमें नहीं मिलेगा आंसर, अगर पढ़े हैं एनसीईआरटी तभी मिलेगा। अच्छा सोचो, कुछ दिमाग लगाओ ना, सोचिए आप लोग कि अगर भूमि व्यवस्था प्रणाली पर से ऐसा क्या चीज हटा देगा कॉर्नवालिस जिससे कि कोर्ट में केस की संख्या अधिक बढ़ जाए। वेरी गुड, थोड़ा सा और नजदीक जाइए, बात सही पकड़े हैं। देखिए, कॉर्नवालिस ने क्या किया था, कॉर्नवालिस ने ये कहता था कि भाई जिसके पास में जमीन है, ठीक है, जमीन से जुड़ा हुआ जो भी विवाद न्यायालय में लाता था, लाया जाता था, तो पहले न्यायपालिका के सामने कुछ शुल्क जमा करना होता था किसानों को, जमींदारों को। कॉर्नवालिस ने क्या किया, इस व्यवस्था के तहत वो टैक्से को खत्म कर, टैक्स का मतलब ये होता है कि न्यायालय शुल्क को क्या कर दिया बाबू, खत्म कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जमीन पर रैयत है या जमीन पर कोई जमींदार है और रैयत जमींदार के बीच में झगड़ा होता है ना, तो किसान शान से चल के जाता और कोर्ट में केस करता, तो फ्री हो गया, पैसा तो लग नहीं रहा है कि देखिए ना सर, हम किसान हैं, हम वहां खेत जोत रहे हैं, फसल नहीं हुआ, फिर भी जमींदार हमको मारा है, पैसा ले लिया है, तो सरकार उसकी सुनती थी। तो ऐसे देखते थे पूरा न्यायपालिका में क्या हो गया, जितना किसान था सब चला गया केस करने के लिए, और न्यायपालिका पर केस का लोड क्या हो गया, अधिक बढ़ता चला गया। समझ में आ गया बाबू सब लोगों को? ठीक है, आप लोग, हम लोग ऐसे समय में पैदा हुए हैं ना कि खुश नसीब है हम लोग कि कम से कम वो कष्ट नहीं देखते हैं। आज से 60 साल 70 साल पहले यदि आपके गांव का कोई बुजुर्ग होगा, दादा परदादा जिंदा होंगे, कहानी सुनते होंगे ना, तो जो जमींदार हुआ करता था ना, वो जमींदार अपने यहाँ रैयत को रखता था काम करने के लिए, केवल खाना देता था उसको, फटा हुआ कपड़ा देता था और काम खूब करवाता था। काम अगर नहीं करता था ना, तो घोड़ा का जो चाबुक हुआ करता था, चाबुक से उसको मारता था। मूवी देखे हैं, साउथ मूवी सब आता है अभी, उसको मारता था। उसके बाद
उसको जैसे कुत्ता है तो कुत्ता को नहलाने, कुत्ता का खाना सोके बहुत कष्ट था उसको, रैयत को। हम मान लो हम जमींदार हैं, उस समय जमींदार रहे होंगे 80-70 के दशक, मतलब 19वीं शताब्दी में मेरे खेत में जो काम करता था, हम राजा हुआ करते थे, हम उसका शोषण करते होंगे, व्यक्ति का शारीरिक मानसिक आर्थिक नैसर्गिक हर शोषण करते थे। लेकिन उसके पास अधिकार नहीं था, पैसा नहीं था कि कोर्ट में केस करे। न्यायपालिका तो मेरे पास में थी ना, रिपन ने न्यायपालिका में सुधार करवाया, कोनवरिस ने न्यायपालिका में सुधार करवाया, व्यवस्था था। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था गरीब किसान के पास में कि हम जाकर के टैक्स वहां पर शुल्क जमा करते। ये कोनवरिस फ्री कर दिया इसको, तब सब लोग शान से गया, है ना। कभी देखे हैं अगर बैलगाड़ी जो था किसी दलित परिवार का बैलगाड़ी या बैल किसी सवर्ण के खेत में अगर चला जाता था तो समाज में पढ़े ना क्या क्या घटनाएं हुआ करती थी। एक और क्वेश्चन में आ जाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो ए में कहता है नैना निशा, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। ये गलत बात है। रैयत मतलब क्या? किसान। जमींदार का मतलब क्या? लैंड लॉर्ड। तो क्या कॉर्नवालिस लैंड लॉर्ड को मजबूत करेगा इसके माध्यम से? नहीं ना करेगा, गलत हो जाएगा। बी कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, यानी क्या ईस्ट इंडिया कोई भी सरकार चाहेगा कि जमीन का मालिकाना किसको, जमींदार को हम दे दे? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा, ये भी गलत है। सी कहता है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। भाई न्यायिक पद्धति का बुरा क्या मतलब? तो रैयत से जुड़ा हुआ चीज था, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो 77 में आ जाओ। जनजातीय 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोहों के लिए निम्नलिखित तत्व में से साझा कारण मुहैया क्या करवाता है? देखिएगा कि जनजातीय जो था ना, जो आदिवासी हुआ करते थे, विद्रोह क्यों किया? आप लोग मुंडा विद्रोह पढ़े होंगे मेंस में और संथाल विद्रोह पढ़े होंगे, बताओ क्यों विद्रोह उन्होंने विद्रोह किया था? हाँ देखो, जमींदार ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनको अपने भूमि से बड़ा प्रेम होता है। किसी आदिवासी के परिवार को तुम कत्ल कर दो, नहीं बोलेगा। किसी आदिवासी के पत्नी को तुम मार दो, आदिवासी नहीं बोलेगा। किसी आदिवासी के बच्चे को मार दो, आदिवासी नहीं बोलेगा। लेकिन आदिवासी के जमीन और जंगल पर यदि तुम आंख डाले तो वो तुमको नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा यूनिक फीचर होता है कि आदिवासियों को अपने जमपत्नी से ज्यादा, अपने संपत्ति से ज्यादा जमीन और वृक्ष से उसको लगाव होता है। बात समझ में आ गया? तो आदिवासी ने अंग्रेज को विद्रोह नहीं किया, अंग्रेज ने हमको कृष्ण बनाया, हम बन गए। अंग्रेज ने हमको शुगर खिलाया, गाय खिलाया, हम खा लिए। अंग्रेज ने हमारे पत्नी का, हमारे माँ बहन का मतलब नाश किया, बर्दाश्त कर गए। लेकिन अंग्रेज ने हमारे जमीन का व्यापार किया, जमीन हड़पा, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस कारण से हमने क्या किया? विद्रोह किया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जितने भी जनजातीय विद्रोह हुआ करते थे उनका एक सामान्य कारण क्या था? भूमि संबंधी व्यवस्था जुड़ा हुआ। ठीक है, भूमि संबंधी व्यवस्था का ये करना। ठीक है, चलो 78 में आ जाओ। 78 कहता है कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का क्या प्रमुख अंग था? ठीक है, देखिएगा, आरसी दत्त नामक एक बहुत बड़े विद्वान थे, इनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन भारत का इतिहास। इन्होंने सबसे पहले अपनी किताब में ना इस होम चार्जेज नामक शब्द का प्रयोग किया है। ये कहा गया है कि होम चार्जेज एक ऐसा शुल्क था जिसमें ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों, अपने पदाधिकारियों या अपनी सेवाओं का सारा खर्चा किससे निकालता है? हम इंडियन से निकालता है। यही ना पढ़े होंगे आप लोग, यही था, है ना। अगर हमारे यहाँ सेना लड़ रहा, अंग्रेज का सेना लड़ रहा जापान में, उसका खर्चा कौन भेजेगा हम? यानी अनाज हमारे यहाँ से जाएगा, सूती वस्त्र हमारे यहाँ से जाएगा, लकड़ी हमारे यहाँ से जाएगा, सब कुछ हमारे यहाँ से जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन का संसद चल रहा है, पैसा कहां से आएगा ब्रिटेन में कोई योजना चलाने के लिए? तो भारत का सोना खनन करके हम कहां ब्रिटेन में लेके जाएंगे, उसको बेचने का काम करेंगे। होम चार्जेस का मतलब ये होता है, सीधी सी बात है, कि खर्चा ब्रिटेन की सरकार का दे, उसला कहां जा से जाता था? हमारे इंडियन से। कैसे उस लेगा? तो हमारे यहां टैक्स को बढ़ा दिया जाता था। कौन से टैक्स को? विभिन्न प्रकार का निबंधन शुल्क था, सड़क शुल्क था, मकान शुल्क था, वो चापाकल पर शुल्क था ना। आप लोग पढ़े होंगे कि गांव में एक कुआं हुआ करता था, ठाकुर का कुआं, मतलब राजपूत का कुआं, और वो कुआं पर सब पानी पीता था अलग से, और वो बदले में क्या करता था? ठाकुर को टैक्स पहुंचता था। ठाकुर किसको टैक्स देते थे? अंग्रेजी अधिकारी को। तो ये बढ़ा दिया, बात समझ में आ गया। तो होम चार्जेज जो था, ये सभी प्रकार के ब्रिटिश एक्सपेंसेस को कलेक्ट करने के लिए हमारे इंडियन पैसा से जुड़ा हुआ था। तो पहला कहता है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नहीं। लंदन में जो इंडिया ऑफिस, इंडिया का राजदूत था, भवन था, कि वो पूरा टिप, देखो लंदन जो था ना, जाइएगा यहाँ पर, ये हो गया लंदन हमारा। ठीक है, ये हमारा बना हुआ है इंडिया हाउस। क्या हो गया? इंडिया हाउस।
ये बना हुआ है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हाउस, ये बना हुआ है अफ्रीका हाउस। ये होता क्या था कि लंदन ये इंडिया हाउस हो गया, तो हमारे इंडिया पर जैसे जैसे शासन चलता है ना, सारा का लेखा जोखा कौन कहाँ रखता था, इंडिया हाउस में। अभी भी है ना डिपार्टमेंट का, बिहार में जितना भी पानी का काम होता है किसका पास में रहता है रिपोर्ट, जल संसाधन विभाग के पास में। जमीन का रिपोर्ट किसके पास में रहता है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में। ऑस्ट्रेलिया भी उपनिवेश था ना ब्रिटेन की सरकार का, तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे शासन चलता है रिपोर्ट कहाँ से लेता था, यहाँ से। और ये है बुढ़िया, जो बुढ़िया अभी मर गई, बीपीएससी भी पूछ दिया कि कितने साल में मरी, क्या मतलब भाई मरी, उसे जिक्र क्या मतलब होता है, उन्होंने तो पूछा था ना कि बुढ़िया कब मरी थी। अब ये बुढ़िया थी, इस बुढ़िया को मन करता था कि भाई इसके चेयर मतलब इसके अध्यक्ष को बुलाएं, बुला के पूछता था बताओ ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चल रहा है, बताती थी। फिर बुढ़िया का मन किया, इसको बुला के लाता था, इसी को बोलते हैं हाउस, आ समझ में। और एक ये इंडिया हाउस था वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना, ठीक है, चलो समझ में आ गया क्या था। तो उसका खर्च करना था, एक और था, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाया, सही बात है। भारत में जो भी कर्मचारी काम करता था, कलेक्टर काम करता था, दरोगा काम करता था, सबका वेतन कौन देता था, हम इंडियन से ही लिया जाता था, ठीक है। तीसरा कहता है भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने पर अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए, और अंग्रेज कहीं बाहर लड़ाई लड़ता था उसका भी खर्चा कौन देता था, हम भी देते थे। इसका एक दो तीन तीनों हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी किताब में इसका आंसर बी दिया हुआ है, एक और दो वो गलत है, उसको सुधार लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, 79 क्वेश्चन कहता है कि 1893 में सर विलियम बेडर वर्न तथा डब्ल्यू एस कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब होता है, ये 1893 की बात कह रही है, कहा जा रहा है ना, इसका मतलब हुआ अंकित कि 1893 में क्या है, हम उपनिवेश है ना, किसके, ब्रिटिश के उपनिवेश है, तो हमारे लिए संसद कौन होगा, ब्रिटेन का संसद होगा, मतलब क्या, या तो हाउस ऑफ क्या होगा, कॉमन होगा जो भी डिस्कस किए हैं, या क्या होगा, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा, ही ना, दोनों चीज हो सकता है। तो अब कहता है कि 1893 ईस्वी में सर विलियम बेडनवर्न और डब्ल्यू एस कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किया था, ठीक है। अब ये जो दो नाम दिया गया हुआ है, उनका नाम है सर विलियम बेडर वर्न, सर विलियम बेडर वर्न, एक वो क्या नाम दिया गया हुआ है, इसका नाम उल्टा पुल्टा रहता है, डब्ल्यू एस कैन, डब्ल्यू एस कैन। ये जो दोनों व्यक्ति था ना, ये दोनों व्यक्ति ब्रिटिश था और दोनों व्यक्ति सांसद था, सांसद किसका था, तो हाउस ऑफ कॉमन्स का था, लोअर हाउस का था, लेकिन ये दोनों व्यक्ति ना समाजवादी विचारधारा का क्या था, प्रणेता था, यानी ये समाजवाद के कॉन्सेप्ट को समझता था, ये चाहता था कि भाई सबको जीने का अधिकार है। और ये दोनों जो व्यक्ति था ना, ये दोनों व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की नीतियों का क्या करता था, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का वो आलोचना करता था, कौन करता था, ये दोनों व्यक्ति क्यों करता था, इनका कहना था कि भाई यदि आपका उपनिवेश बंद रहा ऑस्ट्रेलिया में या भारत में, हाँ 79 में, तो ये जो दोनों व्यक्ति था ना, ये कहता था कि भाई देखो वहाँ के ना इंडियन लोगों को भी ना समाजवाद की तरह जीने का अधिकार है। इनका सबसे बड़ा कहना ये था ना कि हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स में सारा सांसद तो आप ब्रिटेन का रखे हुए हैं, आप यदि उपनिवेश बनाए हुए हैं इंडिया को, तो वहां के लोगों को भी आप इसमें क्या कीजिए, शामिल कीजिए, यानी आप इलेक्शन लड़ने के लिए क्या दीजिए उसको, इलेक्शन लड़ने का भी क्या दीजिए आप उसको, ऑर्डर दीजिए कि वो भी लड़ाई करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का बात क्या किया था, इन दोनों का बात में सरकार ने विचार किया था, और विचार करने के बाद में भारतीयों को भी मतलब ये हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। सबसे बड़ा प्रणेता कौन था, ध्यान रखिएगा, सर विलियम बेडरवन और डब्ल्यू एस कैन, ठीक है। अब इनकी बात सरकार सुना रहे, अंग्रेज बहुत ठीक है, कुछ बदमाश ने कुछ बढ़िया काम किया था, ऑर्डर बोला कि ठीक है जाओगे तुम इंडियन को बोलो हम लड़ने के लिए देते हैं, जिसका मन हो अपना पनिया जहाज पे चढ़े, इंग्लैंड में आए, चुनाव प्रचार प्रसार करे, जीतेगा तो हम उसको रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये बताओ कि कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति था जो अपने खर्चा पर गया था वहां ब्रिटेन, और अपने खर्चा पर सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ा था, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा भी हुआ है। वो सदस्य बना था सबसे पहले, उससे पहले एक लड़ा था एक व्यक्ति जो हार गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ब्रिटिश सांसद बनने वाला सबसे पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी था, हम आपके बात से सहमत हैं, लेकिन इनसे पहले भी एक हमारे व्यक्ति हैं जो लड़े थे और वो हार गए थे चुनाव, बता, डब्ल्यू सी बनर्जी,
डब्ल्यूसी। कौन बोला? पूजा बोला, बहुत सही बात, वेरी गुड। बोलो तो फिर से, डब्ल्यूसी बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चुनाव कौन लड़ा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन सबसे बड़ा सदस्य कौन बना था? दादा भाई। हाँ ध्यान रखिए, यही अंतर होता है, दादा भाई नौरोजी। कोई दिक्कत? चलो बुझाया।